सिंह कर विरह विषादा कहसि राम लक्ष्मण संवाद विपिन गवन के वट अनुरागा मान ज्ञान गुण सागर जय कपीसुति उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन वचन ध्यान झोलावे सब तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे कष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहा और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे वंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महबेरा पवन तनय संकट हर मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर राम चंद्र की जय बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की
बाप राम कथा के तीसरे दिन राम कथा में उपस्थित पूजनीय महाराज श्री समस्त संतगण विद्वज्जन आप सभी और अपने घरों में सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस राम जन्म जिसकी चर्चा इस कथा में हम कर रहे हैं, 5 कारण जो प्रसंग रूप में है, 5 हेतु राम जन्म के जो कुछ घटना घटी उसके आधार पर राम जन्म हुए। जैसे कल हमने जय विजय की चर्चा की, फिर वृंदा, फिर नारद प्रकरण, फिर मनु शत्रुपा और आखिर में राजा भानु प्रताप, प्रताप भानु। लेकिन उसके पहले भी कुछ अंतरंग कारण भी तो है। ये तो घटना है, ये तो प्रसंगवश प्रभु को आना पड़ा, लेकिन उसके मूल में कुछ विशेष घटना, विशेष सूक्ष्म कारण है जिसकी चर्चा स्वयं शंकर जी ने की है। उसी का आधार बना करके आज की कथा में हम आगे बढ़े। भगवान शंकर भवानी को कहते हैं, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, निगमागम गाए, हरि अवतार हे तू जेहि होई, अवतार हे तू
यही होली इदमी कही जाई सोई इदमी कही जाइन सोई क्यों राम अतर्क बुद्धि मन बाणी राम अतर्क बुद्धि मन बाणी मत से प्रकट होने वाली पर्वत की पार्वती संबोधन किया है गिरिजा पहाड़ से तो प्रकट हुई हैं और जैसे पहाड़ स्थिर होता है उसकी स्थिरता दूसरों को परिक्रमा करने के लिए बाध्य करती है जिसकी स्थिरता से गंगा बहती है जिसके स्थैर्य से मणियों की खदानें फूटती हैं हे गिरिजा हरि चरित्र बहुत सुंदर है सुनिए निगमागम ने उसकी विशद लीलाओं का गान किया है और हरि का अवतार जिस कारण होता है उसका इदमित्थ कारण कोई नहीं बता सकता कि यही कारण भगवान के लिए है इसी कारण से ही प्रभु प्रकट हुए हैं इदमित्थ कोई नहीं कह सकता क्यों राम अतर्क बुद्धि मन बाणी भगवान राम बुद्धि मन और वाणी से अतर्क है तर्कातीत है वहां लॉजिक नहीं चल सकता न बुद्धि निर्णय दे सकती है न संकल्प विकल्पात्मक मन कोई विचार कर सकता है और न वाणी उसका वर्णन कर सकती है क्योंकि परमात्म तत्व बुद्धि से पर है ये अस्तित्व गहन है अगाध है रहस्यपूर्ण है आदमी की बुद्धि की एक सीमा है आदमी की वाणी की एक सीमा है देवी आदमी की मन की भी एक सीमा है राम इनसे पकड़े नहीं जाते ब्रह्मसूत्र में भगवान व्यास जी भी कहते हैं कि ये तर्क का विषय नहीं है तर्क से ब्रह्म का निरूपण असंभव है तो जहां आदमी की बुद्धि के तर्क चल सकते हैं जहां वाणी की गति होती है और जहां मन कुछ सोच सकता है वहां तो आदमी कुछ कह सकता है लेकिन ये तीनों से बाहर है राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर तो भगवान के अवतार के कारण को कोई इदमित्थ नहीं कह सकता ऐसा मेरा मत है भगवान शंकर जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहे ऐसा मेरा मानना है और फिर आगे की पंक्ति में बोले तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहि स्वमति हनुमान
फिर भी संत मुनि वेद और पुराण कार अपनी अपनी मति के अनुसार कुछ कहा करते हैं, अवाक्य हैं, फिर भी उसकी अव्याख्यता इतनी प्रबल है कि व्याख्या करने के लिए वाणी मजबूर होती है। अशोचनीय है, फिर भी उसका अशोचपना इतना प्रबल है कि मन सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाता है। अस्पंद निश्चल, ऐसा ये तत्व है, फिर भी बुद्धि कोई न कोई निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपनी दौड़ किया करती है। तो संत मुनि वेद पुराण अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहा करते हैं, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। आगे बोले, तस्मै सुमुखी सुनावहु संत वेद पुराणों ने उनके बारे में कुछ कहा है, वो है सुमुखी। मैं आपको सुनाऊं मेरी समझ में जो कारण आए हैं। इससे लगता है कि शंकर जी ने सुना बहुत है, संतों को सुना, मुनियों को सुना, वेदों का पारायण किया, पुराण इनको बहुत सुना, और फिर अपनी बुद्धि में जो समझ में आया वो कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगाध है, सब समझ में नहीं आता। 5000 आदमी का रसोई घर हो, उसमें दाल पकी है तो दाल का पूरा टोप थोड़ा हम पी सकते हैं। हमारी समझ, हमारी भूख, हमारी जितनी आवश्यकता इतना हमारे पात्र में हम पी लेते हैं। मेरी स्वमति के अनुसार वेद पुराण और शास्त्रों से मैंने जो सुना है, जाना है, वो आपको मैं बताऊं कि भगवान के अवतार के हेतु कौन है। जब जब होई धर्म के हानि, सब गाइए, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़गी असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी। तो भगवान शंकर जो 5 कारण बताते हैं घटना के रूप में, प्रसंग के रूप में, इनसे पूर्व सूक्ष्म कारण यही है राम जन्म। इसमें पहला कारण, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, ये पहला कारण, ध्यान देना। इसका अभिप्राय ये हुआ कि धर्म का नाश नहीं होता, धर्म को कभी कभी ग्लानी अथवा तो हानि होती है। अब एक खेत में फसल पक रही है और अचानक एक वर्षा आई तो इस खेती का नाश नहीं हुआ, लेकिन जितनी मात्रा में फसल पकनी थी इतने में हानि आ गई, इतनी नहीं हुई। धर्म को कोई निर्मूल कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म शाश्वत तत्व है। धर्म के नाम पर जो कुछ ग्रुप चलते हैं संसार में, उसकी आयुष्य हो सकती है कि इस साल में वो पैदा हुआ, इतने सालों के बाद समाप्त हो गए, लेकिन जो शाश्वत धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसका नाश नहीं हो सकता, हानि होती है। गीता ने जिसको ग्लानी कहा, रामचरितमानस उसको हानि कहता है।
हाँ, तुलसी जी ने भी ग्लानी शब्द अतिशय देखी धर्म के ग्लानी परम सबीत धरा अकुला। लेकिन यह हानि कहने का मतलब है, हानि और ग्लानी सापेक्ष है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घर में किसी चीज की हानि हो जाती है कि धन चुरा ले गया, चुराया गया, मान प्रतिष्ठा ले ली गई, वस्तुओं का अभाव हुआ, या तो परिवार में किसी व्यक्ति चली गई और हानि हुई, तो हानि का दूसरा पहलू, इस पंखे को बंद करा दीजिए, इस हानि का दूसरा जो भाग है वो ग्लानी है। इस घर में कोई मरा तो हानि हुई, एक सदस्य चला गया, और परिणाम क्या हुआ, जीवन ग्लानी से भर गया, और लोग आकर कहते हैं कि भाई ग्लानी मत करो, ग्लानी मत करो, यहाँ तो ऐसा चलता है। तो हानि और ग्लानी सापेक्ष है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक ढंग से तुलसी जी लिखते हैं। तो धर्म को जब जब हानि होती है और उसके परिणाम स्वरूप ग्लानी होती है, और धर्म क्या, अब स्मृतिकार भगवान मनु दशकम धर्म लक्षणम कह देते हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं। श्रीमद् भागवतकार व्यास जी और शुक मुख से उसको चतुष्पाद धर्म की घोषणा करवा देते हैं। रामचरितमानस में भी धर्म की बड़ी विशद व्याख्या गोस्वामी जी ने जगह जगह पर रख दी है। लेकिन इन सब के निचोड़ को, इन सब को नीचो करके मेरी व्यासपीठ को जो धर्म समझ में आया है, वो मैंने बार बार कहा, फिर एक बार कहूं, वैसे पुनरावर्ती बीमारी है, पुनरुक्ति शास्त्रों में बीमारी, एक ही बात आप बार बार कहो ना तो ये बीमार लोगों का लक्षण है, स्वस्थ आदमी का लक्षण नहीं है। इसलिए पुनरुक्ति को हमारे ग्रंथों में दोष माना है, पुनरुक्ति दोष। पागल आदमी होता ना, एक ही बात बार बार क्या करेगा, एक ही बात बार बार करेगा, एक ही बात बस, एक ही बात, एक ही बात। एक पागल था तो पागल खाने में जो इलेक्ट्रिसिटी का फिटिंग था, वहाँ एक इलेक्ट्रिक का वायर पकड़ करके लटक रहा था। कुछ लोग पागल खाना देखने आए तो देखने वालों ने एक दूसरे पागल को पूछा कि ये क्या कर रहा है भाई साहब, बोले अपने आप को बल्ब समझता है, ये सोचता है कि मैं 500 का बल्ब हूँ, इसलिए वो सदा ऐसे ही लटकता रहता है। तो बोले उतरेगा नहीं, बोले उतरेगा तो अंधेरा हो जाएगा, तो फिर आप पागलखाना कैसे देख पाओगे। बार बार पुनरुक्ति करना ये पागलों का काम है, इसलिए मेरी व्यासपीठ उसको बीमार कहेगी। लेकिन ध्यान देना, बार बार राम कथा गाना, बार बार गीता का पाठ करना, बार बार भागवत जी का स्मरण करना, बार बार हरि नाम लेना, वो पुनरुक्ति बीमारी नहीं है, परम स्वास्थ्य है। वरना तो काल मुझे आप कहोगे कि भाई बार बार कहते हैं पुनरुक्ति बीमारी है, तो ये आप सबसे बड़े बीमार आप हैं, कथा गाते ही रहते, गाते ही रहते, गाते ही रहते। हरि स्मरण, हरि कथा गान, शास्त्र चिंतन, सत्संग की बार बार आवृत्ति परम तंदुरुस्ती का एक लक्षण है। वहां ये नहीं लागू पड़ता, राम 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 कोई रटता रहे, कोई कोई मंत्र जपता रहे, तो उसमें पुनरुक्ति ही तो है, लेकिन वो परम स्वास्थ्य है। बाकी हर वस्तु में पुनरुक्ति ये बीमारी ही है। कई लोग आप देखिएगा एक ही बात बार बार आपको सुनाते रहे, बीमार आदमी का लक्षण, स्वस्थ मानसिकता नहीं है, विकृत हो सकता है। कई आदमी कोई एक वस्तु पकड़ लेता है, फिर बार बार आपको सुनाता ही रहेगा, बार बार सुनाता ही रहेगा, बार बार समझना, उस पर रोष मत करना, उसकी बीमारी पर दया करना कि आदमी बीमार है। पुनरुक्ति बीमारी है,
अध्यात्म में स्पर्धा करना मूढ़ता है, धर्म के जगत में स्पर्धा करना मेरी समझ में मूढ़ता से अतिरिक्त कुछ नहीं। उसने इतना बड़ा आश्रम बनाया तो मैं इससे बड़ा बना दूं, उसने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो मैं इससे बड़ा बना दूं, इसने बड़ा इतना प्रसंग किया तो मैं इतना बड़ा बना दूं, उसने इतने शिष्य किए तो मैं इतने बड़ा दूं, उसने ये किया अथवा तो मेरे पास इतने वो है फला। धर्म के बारे में और अध्यात्म के बारे में जब स्पर्धा प्रवेश करती है इसमें मूढ़ता के सिवा कुछ नहीं। मूढ़ लोग ही ऐसा कर सकते हैं, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो पुनरुक्ति बीमारी है, स्पर्धा मूढ़ता है और किसी की नकल करना आत्महत्या है कि वो कर रहा है ऐसा मैं करूं, उसका ये ढंग है तो मैं इस ढंग से चलूं, उसी ढंग से मैं बोलूं, इसी ढंग से मैं सब करूं, उसने ऐसा निर्णय किया तो मैं भी ऐसा। ये जो नकल करने की लोगों में वृत्ति है आत्महत्या के अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरे भाई बहन आत्महत्या है। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग स्पर्धा क्यों करते हैं अध्यात्म में। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है उसकी बार बार पुनरावृत्ति क्यों करते हैं। और मेरी समझ में नहीं आता कि लोग दूसरों की नकल क्यों करते हैं। लाख करो तो भी दूसरे आप नहीं बन सकते और दूसरा आप नहीं बन सकता। जो है उसमें तसल्ली मानो। एक साधु को अपनी साधुता में होनी चाहिए, एक गृहस्थ को अपनी गृहस्थाई में तसल्ली होनी चाहिए, एक छात्र को अपने छात्रपने में तसल्ली होनी चाहिए, एक उद्योगपति को अपने उद्योगपति में होने में, एक स्त्री शरीर को स्त्री शरीर होने में तसल्ली होनी चाहिए। सबको नकल करनी है इसलिए आत्महत्या कर रहे सब, आत्महंता है सब, नकल चल रही। चूहा था ना बिल्ली से डर रहा था, जैसे बिल्ली को देखी ना तो चूहा डर गया कि अब क्या करे, तो सोचा कि हे भगवान मुझे बिल्ली ही बिना बना दे तो डर का प्रश्न ही झंझट छूटे, मैं स्वयं बिल्ली हो जाऊं तो खतरा गया। और जैसे वो बिल्ली होने, भगवान तो दयालु है, बोले अच्छा बना देता हूँ, बनाने की तैयारी थी, इतने में कुत्ता आया और बिल्ली कांप रही थी। उसने सोचा कि ये तो बिल्ली भी कांपती है कुत्ते से, तो इससे तो बढ़िया है कि कुत्ते ही बन जाए, तो निर्णय बदल दिया, ठाकुर जी जल्दी मत करना कुत्ता ही बना दे। और भगवान ने हाथ में जल लेकर कुत्ता बनाने की तैयारी की ही और जल छिड़कने की तैयारी, इतने में एक शेर निकला और कुत्ता कांपने लगा। तो कुत्ता तो सिंह से शेर से डर रहा, तो चूहे ने उंदर ने सोचा कि अब बनना ही है तो शेर क्यों ना बने। अब शेर बनने चला तो शेर को पूछा चूहे ने कि आप किसी से डरते हैं, बोले मैं मेघ से डरता हूँ, जब मेघ की गर्जना होती है ना तो मुझे लगता है कि मेरे से कौन इतना बलवान निकला कि मेरे सामने गर्जना करता है, मुझे उसके साथ तकलीफ होती है। तो चूहे ने सोचा कि तो फिर मेघ ही बन जाए। मेघ को पूछा आपको किसी का डर है, बोले मुझे पवन की डर है क्योंकि पवन वायु आती है तितर भीतर, मुझे मेघ के बादलों को इधर भीतर कर देते हैं, पवन के झपाटे से मैं स्थिर, तो मुझे पवन का डर लगता। बोले तो पवन ही होना अच्छा है। पवन को पूछा तुम्हें किसी का डर है, बोले मुझे पहाड़ का डर है क्योंकि मैं इतनी जल्दी जाता हूँ ना तो पहाड़ मेरी गति को रोक देता है। तो चूहे ने सोचा कि मैं पहाड़ ही हो जाऊँ अब तो पक्का। तो पहाड़ को पूछा कि मैं पहाड़ होना चाहूँ, बोले तू रहता कहाँ है, बोले पहाड़ के मूल में, तो कि तूने ही तो चूहापना करके मुझे खाली कर दिया है, तो बोले मुझे चूहा ही रहना है और कुछ होना ही नहीं है। चूहा चूहे में धन्य है, कुत्ता कुत्ते में धन्य है, शेर शेर में धन्य है, मेघ मेघ में धन्य है, वायु वायु में धन्य है, पहाड़ पहाड़ में धन्य है, चूहा चूहे में धन्य है। वो काशी की करवत की बात नहीं थी, पहले के जमाने में हमारे पुराने कथाकार कहते कि एक मोची जो देहातों में मोची जूते चप्पल सीता था, उसको हुआ कि ये जिंदगी मोची पना इससे तो बेहतर है कि काशी में जाकर करवत मिला दे। अरे ऐसी मान्यता थी कि काशी में करवत मिला दे, फिर आखिरी करवत खींचे ना
उस समय जो आदमी मांगे उसी योनि में उनका जन्म होता है। ये करवत बरवत खबर नहीं, मैंने फावतित नहीं, काशी में करवत मिलाना ये सब ठीक है, उस जमाने की बात होगी ठीक है। बाकी एक व्यक्ति को दो व्यक्ति लेकर करवत लेकर ये करे, कभी कभी बुद्ध ठीक लगते कि इतनी उस काल के संदर्भ में ठीक रख। काशी जैने करवत मिलाया, वेद वचन प्रमाणे राम बाण भाग्या होते। राम बाण ने करवत नहीं हूँ लेवा देवा, राम बाण तो भीतरी वस्तु है, लेकिन ठीक है कथानक जरूर है। तो मोची जाता है काशी, अब कहा कि बस मुझे ये मोचीपना ठीक नहीं लगता, करवत लगा दो। तो सो जा, मोची को सुलाए, दो आए काशी के, खबर नहीं कौन करवत मिलते होंगे, वो आए दो। तो करवत शुरू, एक इधर गया एक इधर गया, इधर गया तो आधा तो कट गया। और ऐसा कहते कि जितना कटे उसमें भान रहता है, क्योंकि आखिरी क्षण में वो बता सके कि मुझे अगले जन्म में ये होना है। तो उसको पूछना शुरू किया कि भाई तुम क्या होना चाहते हो, तो पहला करवत चला ना, तो उसने कहा ब्राह्मण। बोले ब्राह्मण होने में तो तकलीफ है कि थोड़ा लोभ बढ़ जाता है, दूसरे को देखकर थोड़ी जलन आँख में आ जाती, ये जो कुछ दोष बताए गए ग्रंथों में वही बात मैं कर रहा हूँ, क्षमा करें। तो ये दोष है, ब्राह्मण नहीं होना। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय तो ये खाते हैं पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मद्यप है आदि आदि, जो सात दोष विदुर नीति में बताए क्षत्रिय के, राजा के सात दोष महाभारत का ये सब उनमें होते, तो वो भी नहीं होना। वैश्य व्यापारी बन जाए, बोले वो तो छल करेगा खेल करेगा व्यापार की आंटी घुटी में, खबर नहीं किसी को फंसा देगा, तो वो भी तो ठीक नहीं। शूद्र बन जाए सेवक बन जाए, तो उसमें भी ये सोचते सोचते करवत मेलने लगाने वाले ने कहा कि भाई अब छिल्ली बात है, बस खाली चामड़ी से, पीछे की केवल चामड़ी ही बची थी, अब ऐसे गया तो दो टुकड़े बात खत्म, बोल। फिर उसने कहा कि रहने दो रहने दो, दूसरे जन्म में मुझे मोची ही बनाना, अच्छा आदमी है मेरी दृष्टि में, काशी के पंडितों से ज्यादा समझदार रहा होगा ये मोची, कि जिसने ये मांगा कि होना है तो मैं जो हूं वो ही होना पर्याप्त है। चीटी चीटी में मस्त है, बंदर बंदर में मस्त है, नकल आत्महत्या है, हमें दूसरा होना है। अब भाइयों को खबर नहीं क्या हो गया है कि उसको बहन होना है, यानी बहन होना नहीं लेकिन कपड़े ऐसा पहनने हैं, ऐसा करते हैं, अथवा तो ऐसी ऐसी कोमल आवाज चाहते हैं, और कईयों को गिफ्ट होती है, और बहनों को तो, भाइयों को तो कम, लेकिन बहनों को भी होता है कि हम पुरुष के समान हो जाए। ये सब स्पर्धा है, सबकी अपनी अपनी निजता है, अपने अपने में रहना चाहिए। चूहे ने कहा कि इतने पहाड़ को यदि मैं चूहा पना करके खोद देता हूँ तो मेरा सामर्थ्य सबसे श्रेष्ठ है, मैं जो हूँ वही बेहतर है। मेरे भाई बहन, पुनरुक्ति बीमारी है, स्पर्धा मूढ़ता है, और दूसरों की नकल कॉपी आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं है। तो मैं पुनरुक्ति कर रहा हूं, लेकिन ये पुनरुक्ति बीमारी नहीं है, स्वास्थ्य की निशानी है। मैंने बहुत बार कहा कि मेरी दृष्टि में धर्म क्या है, मेरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। मनु भगवान 10 लक्षण कहे दस धर्म के, भागवतकार चतुष्पाद कहे, कोई कुछ कहे, मानसकार ये कहे, लेकिन इन सब का सार, इन महापुरुषों के धर्म के जितने जितने अंग बताएं, उनको एक मिक्सर में डाल करके, मौसम्बी केला
चीकू सबको एक उसमें डाल करके उसका यदि एक जूस निकालना है, उसका चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो मेरी समझ में जो मैंने कई बार कही है बात फिर एक बार पुनरुक्ति कर रहा हूँ, धर्म मानी सत्य प्रेम और करुणा, मेरी समझ में यही धर्म है। मैं अपने जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी उसको प्रमाणित करते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि जी के न्याय से भगवान राम कारुण्य रूप है, करुणा की मूर्ति है, इसलिए करुणा करंतम, वो भी धर्म का स्वरूप। तो सत्य प्रेम और करुणा, इन तीन को जब हानि होती है तब शंकर जी कहते हैं भगवान अवतार लेने के लिए बाध्य होते हैं। अब सत्य को हानि हो सकती है? सत्य को हानि हो तो सत्य कौन सा? सत्य तो वो है जिसको हानि नहीं हो सकती। सोना पीतल हो सकता है? कतई नहीं। लेकिन सोने पर कभी कभी मिट्टी चढ़ जाती है, सोने पर कभी किसी ने कोई गलत रंग चढ़ा दिया तो सोने की हानि हुई है, अथवा तो सोने को पीतल की कीमत में बिकना पड़े वो हानि है। सत्य को स्वार्थ की कीमत पर बिकना पड़े तब समझना सत्य को हानि हुई है, बाकी सत्य रूपी धर्म को हानि नहीं हो सकती। प्रेम की हानि कभी हो सकती है? जिस प्रेम की हानि हो, जिस प्रेम में ग्लानि हो, वो प्रेम काय का? प्रेम तो व्यक्ति को प्रसन्नता से भर देता है। प्रेम के मेरी समझ में तीन स्तर है। एक प्रेम तो ऐसा है कि अपने प्रेम के कारण दूसरों की हत्या तक पहुंचता है। दूसरा प्रेम ऐसा है कि हत्या तक न जाए, ये मध्यम प्रेम है। ज्यादातर इसी प्रेम में दुनिया जीती है। मध्यम प्रेम वो है कि दूसरे की हत्या तक न जाए लेकिन ईर्ष्या का शिखर सर कर ले। यहां इतना प्रेम गहराई में और ऊपर देखो तो इतनी ही ईर्ष्या, द्वेष, जलन। मरेगा नहीं, जलेगा बहुत। प्रेम की तीसरी अवस्था जिसको मानसकार परम प्रेम पूरन दो भाई, उत्तमोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रेम उसको कहते हैं, जहां इनमें से कोई विकार छू नहीं सकता। हमारी दशा क्या है कि ऐसे प्रेम के धनी हम होते हुए दुखी है। प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे पास होते हुए, करुणा सिंधु ईश्वर का हमारे हृदय में निवास होते हुए, सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां, इस न्याय से तुलसी कहते हैं सकल जीव जग दीन दुखारी। फूलों से निरंतर गोद हमारी भरी रही, फूलों से निरंतर गोद हमारी भरी रही, खुशबू मगर दूर दूर, खुशबू से मगर दूर दूर ये जिंदगी रही। प्रभात साहब का शेर है, खुशबू से मगर दूर दूर, इस हमारे गोद में फूलों के अंबार थे लेकिन खुशबू नहीं पा सके। अस प्रभु हृदय असत अभिकारी, खुशबू से दूर दूर मगर जिंदगी रही, फूलों से ये गोद हमारी भरी रही लेकिन खुशबू, असप्रभु हृदय अछत अविकार, फिर भी हम आनंद न कर पाए, हम मौज नहीं ले पाए। बहुत शेर है प्रभात साहब का, ऐसी अदा से ले चला कोई चराग को,
ऐसी अदा से ले चला कोई चराग को, जब तक सफर रही तब तक हवा भी रुकी रही। सदगुरु ऐसा काम करता है। जैसे देहातों में माताएं दीप दिया किसी के घर जलाने जाती है ना, मैंने देखा है देहातों में, तो दिया अपने आंचल में ढांक कर ले आती है घर में कि ये दीप बुझ न जाए। अपने बच्चे को कहीं ले जाती हैं तो आंचल में, वैसे सदगुरु भी अपने शिष्य में जो चराग जलता है उसकी सफर जब तक रहती है हवा को भी रोक देता है कि इस चराग को कोई बहुत बड़ा दार्शनिक शेर माना जाएगा। ये बड़ा दार्शनिक है बिल्कुल, किसी कोई उसको मना नानू नहीं कर सकता। जब तक सफर रही हवा भी रुकी रही, उसकी निगाहें मेरा बदन चूमती रही। जब तक न ढक लिया मुझे रास्ते के मोड़ ने, जब तक न ढक लिया मुझे रास्ते के मोड़ ने, उसकी निगाहें मेरा बदन चूमती रही। फूलों से सदा गोद हमारी भरी रही, खुशबू से मगर जिंदगी में खुशबू नहीं आई, ऐसा मैं शब्द चूक रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया शेर यह कि जब तक सफर रही हवा भी रुकी रही। घूंघटे घेराणू एक कौड़ियो, गुजराती गीत छे कि एक दीपक को एक स्त्री अपने घूंघटे में छिपा करके ले जाती है। न पालव जले न देह जले न दिया बुझे, ये जो बिल्कुल देहाती रीत है, बिल्कुल ग्राम्य रीत है। जब तक सफर रही हवा भी रुकी रही, खुशबू से दूर दूर मगर जिंदगी रही। कहने का मतलब, सत्य है हमारे पास, प्रेम है, कुछ न कुछ मात्रा में तो है, उत्तम प्रकार का नहीं तो मध्यम प्रकार का तो है, करुणा है, फिर भी हम इससे लाभान्वित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उसको कुछ हानि हुई है, उस पर कुछ मिट्टी चढ़ गई है। अब एक वस्तु की हानि होती है तो किसी की बढ़ती होती है, ये दुनिया का प्रकृति का नियम है। समुद्र के इस तट पर ज्वार होता है तो एक तट पर भाटा होता है, एक पर पानी कम होगा तो दूसरी जगह। अब गोस्वामी जी कितना मनोवैज्ञानिक राम जन्म के हेतु का सूक्ष्म निवेदन कर रहे। जब जब हो ही धर्म के सत्य प्रेम और करुणा तीनों की जब हानि होती है तब तीन की बढ़ोतरी होती है। बाढ़ ही असुर अधम अभिमान, ये जीवन का सत्य है। बा सत्य की हानि हुई तो आसुरी तत्व बढ़ने लगता है। जब जब हमारे सत्य को हानि होती है तब हमारे में आसुरी तत्व की बढ़ोतरी। ये बिल्कुल विज्ञान, ये विज्ञान नहीं गणित है, ये बिल्कुल गणित के मुताबिक गोस्वामी जी चलते हैं। तुलसीदास जी का गणित का ज्ञान कितना होगा, संगीत का ज्ञान कितना होगा, काव्य प्रबंध का ज्ञान कितना होगा, सुरों का स्वरों का ज्ञान कितना होगा। मैं बिल्कुल विनम्रता से कहना चाहूं कि इस साधु ने कोई विषय नहीं छोड़ा। अभी मैं एक दो दिन एक ग्रंथ पढ़ रहा था, इसमें तो गोस्वामी जी का ज्योतिष ज्ञान कितना, जो तुलसीदास जी के शब्दों को लाला करके उनकी ज्योतिष विद्या को जो प्रतिपादित की, तब लगता है कि इस आदमी ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अद्भुत काम किया। सब शास्त्र उसमें, मैं गिन रहा था कि विश्व में जितनी सात सात वस्तुएं हैं, ये सभी सात सात वस्तुएं रामचरितमानस में, इसलिए उसको मैं विश्व ग्रंथ कहता हूं। अब कोई धर्म की कट्टरता के कारण न माने, पूर्वग्रह से न माने, तो उनके सामने कौन सर फोड़े, न माने। बाकी मैं गिन रहा था, हमारे दाया दादा शास्त्री जी ने जो नड़ियाद के पास संस्कृत का बड़ी सेवा कर रहे,
उसने वो एक एक वस्तु कितनी, दो कितनी, उसका पूरा लिस्ट बताया, एक पुस्तक छोटा सा बनाया, उसमें सात वस्तु, ये सात सप्तऋषि, सात लोक, सप्तद्वीप, सप्त सिंधु, फला 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 फला, सप्त धातु, ज्ञान के साथ भूमिकाएं, फला रामायण के सात सोपान, मंगलाचरण के सात श्लोक, सात कांड, खबर नहीं, सात 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 सात, इतना उसने किया, तो मैं देख रहा था, तो उसने जितने बताए सात सात, मुझे मेरी स्मृति में आने लगे, रामचरितमानस में सभी सात 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 है, क्या नहीं है ये, मैं कभी ये सिद्ध करूंगा विनम्रता से, उसका पन्ना फाड़ कर ले आऊंगा, ये मेरी आदत है, किसी आपसे पन्ना फाड़ लेता हूँ फिर वही रख देता हूँ, लिखूँ कहाँ, तो कोई कथा में उसका मैं जिक्र करूंगा कि सात समुद्र, तो मानस में सात समुद्र कहाँ है, सप्तद्वीप मानस में लिखा है सप्तद्वीप, जितनी जितनी सात वस्तु ये हैं वो रामचरित मानस में है, अद्भुत है, अलौकिक है, तो पूरी गणित विद्या यहाँ चल रही है, पूरा मनोविज्ञान यहाँ चल रहा है, जब सत को हानि हुई तब आसुरी पना बढ़ता है, यहाँ पानी कम वहाँ बढ़ा, बाढ़गी असुर अधम अभिमान, धर्म का अभिजा दूसरा सूत्र मेरी समझ में प्रेम, और प्रेम को जब हानि होती है, नाश नहीं होता हानि होती है, तो अधमता बढ़ती है, नफरत, घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार, गाली गलौज, प्रेम को हानि हुई तो ये बढ़ेगा, बाढ़ी असुर अधम। शबरी कहती है कि मुझ में भक्ति नहीं है, मुझ में प्रेम नहीं है, इसलिए वो अपने आप को कहती है अधम ते अधम अधम अधीना, तीन मां मति मंद। तो भगवान कहते हैं आप अधम अपने आप को कहती है, गलत है, मान हूं एक भक्ति करना था, तुम में भक्ति है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो है, लेकिन जहां प्रेम को हानि हुई आदमी अधम हो जाएगा, कृष्ण कंस बन जाएगा। मैं वो कथा कहता रहता हूं, राजा ने एक दीवान खंड बनाया, फिर पिछली दीवार पर उसको एक कंस, कृष्ण और कंस का चित्र बनाना था, दुनिया भर में से चुनाव करके श्रेष्ठ चित्रकार को बुलाया और कहा कि ये पीछे की दीवार पर कृष्ण का चित्र बना दो, लेकिन हूबहू कृष्ण होना चाहिए। चित्रकार ने कहा कि बना दो, लेकिन शर्त, तुम्हारे राज्य में से मैं कोई एक बालक का चुनाव करूं, इस बालक को 6 महीने परिवार के साथ आपके राजभवन में रखो, मैं जब चाहूं इनकी माँ बालक को लाकर आए और मैं इस बच्चे को देख देख कर कृष्ण का चित्र बनाऊं। कुबलात हुई, एक बालक पसंद हो गया, परिवार सह बालक को लेकर इनके माता पिता वहीं रहने लगे, चित्रकार कृष्ण का चित्र दौड़ते, 6 महीने में चित्र बन गया हूबहू श्री कृष्ण। अब कंस का चित्र बनाना बाकी था, राजा को चित्रकार ने कहा कि एक क्रूर से क्रूर आदमी, एक हत्यारा, एक आतंक फैलाने वाला, भयंकर से भयंकर एक व्यक्ति को तुम्हारे राज्य में से खोजो और फिर उसको मेरे पास बिठाओ, उसको देखकर पे कंस का चित्र बनाओ। खोज चली साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल खोज चली, लेकिन कंस के अनुकूल कोई आदमी चित्रकार को मिला नहीं। अब चित्र 20 साल से अधूरा पड़ा है। आखिर में चित्रकार ने कहा कि तुम्हारे नगर की जो मूल जेल है, उस जेल में मुझे ले चलो, वहाँ खूंखार हत्यारे होंगे, शायद इनमें से कोई मेरी पसंद में आ जाए कंस के लिए। वो जाता है, एक आदमी को पसंद करता है कि ये आदमी कंस के योग्य है,
ले आते हैं। 20 साल लगी कंस की खोज में, और वहाँ बिठा करके वो कंस का चित्र बनाने गया तो वो जो आदमी था वो रोने लगा। चित्रकार ने पूछा, भाई साहब आप क्यों रोते हैं? बोले, कृष्ण का जो चित्र है ना वो भी मेरा ही है, 20 साल पहले वही मैं था, आज 20 साल के बाद मैं ही कंस बन चुका। कब हमारा कृष्णपना दब जाए और कंसपना ऊपर आ जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब हमारा कंसपना दब जाए और कृष्णपना ऊपर आ जाए क्या। प्रेम घटा अधमता आई, अधमता को हानि और नष्ट हो गई तो प्रेम फूटा। बाढ़गी असुर अधम अभिमान। अब खेल खेल में, विनोद में, मजाक में हमारे यहाँ थोड़ा झूठ बोलने की छूट ग्रंथकारों ने दी है कि किसी की सगाई होती हो उसमें थोड़ा झूठ बोलने का प्रसंग आए तो बोलो तो क्षम्य है। किसी की हत्या होती हो और आप झूठ बोले कि नहीं वो आदमी यहाँ नहीं है और वो आदमी बच जाए तो ये क्षम्य है, सराहनीय नहीं है, क्षम्य जरूर है। नीतिकारों ने कहा तो खेल खेल में, विनोद में, शादियों में, उत्सव में, त्योहार में आदमी जैसे मजाक में खेल खेल में झूठ बोल ले तो वो इतना हानिकारक नहीं। लेकिन जिस झूठ से खुद को भी पातक लगे और दूसरे का भी पतन हो, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गोस्वामी जी कहते हैं, तब आसुरी वृत्ति बढ़ती है। अकारण विनोद में बात और है, उसको उसको मन पर मत लेना, क्योंकि आदमी विनोद में बोलता रहता है। जैसे माँ बोलती है कि बच्चा यहाँ नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे से बोल देती है, तो ये बात नहीं। लेकिन जानबूझ करके खुद को भी पातक लगे और दूसरे का पतन हो, उसी असत्य को मेरे गोस्वामी जी नहीं असत्य सम पातक पुंजा कहते हैं। ऐसा असत्य जिसमें हो उसी को ही असुर कहते हैं। और असुर कौन? असुर। और जहां प्रेम को हानि हुई आदमी अधम हो गया, और अधम से अधम व्यक्ति की अधमता गई और प्रेम प्रकट हुआ तो सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे। भगवान राम प्रमाण पत्र देते, शबरी तुम्हारे समान कोई नहीं है, समस्त भक्ति तुम्हारे में दृढ़ हुई है। सत्य को हानि असुर की वृद्धि, प्रेम की हानि अधमता की बढ़ती, और धर्म का तीसरा सूत्र करुणा, करुणा की हानि अभिमान की बढ़ोतरी। आदमी जब करुणा चुक जाता है तो इसका मतलब हुआ कठोरता पैदा हुई, और कठोरता अभिमान का प्रतीक है। आदमी जड़ हो गया, कठोर हो गया, आक्रामक हो गया, एकदम क्या बताए। बाढ़गी असुर अधम अभिमान। भगवान शंकर कहते हैं, गिरिजा मेरी समझ में भगवान के अवतार के जो कुछ हेतु सूक्ष्म रूप में आए हैं इनमें पहला ये है कि जब सत्य प्रेम और करुणा वाला धर्म हानि को प्राप्त होता है और उसके कारण असुरता, अधमता और अहंता बढ़ जाती है समाज में, और इसके फलस्वरूप समाज में क्या होता है, करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधी विप्र धेनु सुर धरनी। पूरा गणित चल रहा है, अधमता के कारण, आसुरीपने के कारण, अभिमान के कारण, कर ही अनीति जाई नहीं। आदमी इतनी अनीति करेगा
कि जिसका वर्णन न हो सके। शंकर भगवान को लगा कि शायद गिरिजा पूछे कि अनिति का रूप क्या, तो बोले अनिति का रूप ये है, सीधा ही विप्र धेनु सुर धर। ब्राह्मण की निंदा, ब्राह्मण को मारा जाए, ब्राह्मण का अपमान किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, विप्रता का ध्वंस किया जाए, गायों की हत्या हो, धरती को हानि हो, सीधा ही विप्र धेनु सुर धर। दैवी तत्व को मिटाया जाए और धरती को परेशान किया जाए, ये अनीति है। यहाँ चार अनीति है, ब्राह्मण का अपमान, मैं कोई ब्राह्मणवाद को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। विप्र का अर्थ है जिसमें विवेक की प्रधानता है, विप्र का अर्थ है जो प्रपंच से विगत है, जिसमें प्रपंच बिल्कुल नहीं है, दंभ बिल्कुल नहीं, वो विप्र। विप्रत्व का अपमान अनीति है, गायों की हत्या अनीति है, देशकाल के नियम भिन्न होते हैं, दूसरे मुल्कों की बात और है छोड़ो, लेकिन हिंदुस्तान में गाय की हत्या, गाय को मिटाना अनीति है। गाय मिटनी नहीं चाहिए, गाय कटनी नहीं चाहिए। मैं और तो क्या कह सकता हूं, निवेदन जरूर कर सकता हूं कि भगवान ने आपको यदि संपन्नता दी है तो गाय पाले, अपने घर में न पाल सके तो गो सदन, गौशाला जाए, जहाँ हो वहाँ गायों को दत्तक ले कि एक दो गायों का खर्चा हम देंगे, लेकिन देश की गाय बचनी चाहिए वरना अनीति है। लोग कहते गाय का दूध उसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, माँ की मार्केट वैल्यू नहीं होती, माँ के दूध की मार्केट वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। गाय हमारी माँ है, इसलिए उसको मार्केट वैल्यू में तोलना अधमता के सिवा कुछ नहीं है, मूढ़ता के सिवा कुछ नहीं। आदमी गाय का दूध पिए, गाय के घी का उपयोग करे, और मुस्लिम कंट्रीज दुनिया में जितनी है सब गाय का दूध यूज कर रहे हैं। ये पड़ोस में बांग्लादेश देखो, गाय का ही दूध यूज होता है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका दी देश, इधर अफ्रीकन कंट्रीज, सब गाय का दूध, गाय का घी उपयोग करे। और ये ऋषि मुनियों का देश, ये कृष्ण ने जहाँ गायों चराई वो देश गायों को काटे जा रहा। और तो हम क्या कहे, लेकिन गाय बचे इतना जरूर है। विनोबा जी बेचारे बोलते बोलते चले गए, गाय बचनी चाहिए, गाय बचनी चाहिए, कहते कहते चले गए। उनके अनुयायी आज तक बेचारा देवनार कतल खाने के पास जाते हैं, पकड़े जाते हैं, बस चलाते हैं, कोई सुनता नहीं। मैंने तो एक बार विनोबा जी के इस उस अभियान में मैं था, ये गाय के आंदोलन में देवनार में, उसके उसकी मार्गदर्शन में चला था ये अभियान। तब तो वो चले गए थे, और फिर भारत सरकार ने उसको भारत रत्न भी, मरणोत्तर भारत रत्न प्रदान किया था विनोबा जी को। और जब मैं, मुझे उस समय बोलने की बात थी, तब मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि विनोबा जी को मरणोत्तर भारत रत्न इनका सरकार ने दिया, लेकिन विनोबा जी की मांग पूरी करके गायों की हत्या बंद कर देते वही विनोबा जी का सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैंने कहा था जाहिर में उस समय। अभिप्राय यह है कि गाय का जतन हो वरना अनीति है, गाय बचनी चाहिए। सीधा ही विप्र धेनु सुर धर। धेनु यानी गाय, धेनु यानी गाय, गाय का एक शब्द है गो, गो मानी गाय, और गो का शास्त्रीय अर्थ है इंद्रियां। आदमी की इंद्रियों की हत्या, आदमी की संवेदनशीलता का नाश अनीति है। मैं भोपाल की कथा में कह रहा हूं कि हम में स्पर्श करने की शक्ति है, लेकिन हम किसी को छूते हैं तो संवेदना होती है, आदमी संवेदना गंवा बैठा, कोई संवेदना नहीं रही।
एक माँ बच्चे के सिर पर उंगलियां घुमाती है तो एक संवेदना की सृष्टि होती है, एक धन्यता महसूस होती है, एक दूसरे को कोई छूते हैं भाव से, निष्काम भाव से, विकार मुक्त स्पर्श। कल एक छात्रा ने मुझे पूछा था, ये प्रश्न रह गया, कल मुझे पूछा था कि बापू हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ ये जो कंपनी यानी संगत सोबत का बड़ा वो रहता है, इससे कैसे बचे और सेल्फ कंट्रोल, हमारी जात को हम कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि सब फ्रेंड होते हैं तो उसमें से हम अपने आप को कैसे बचाएं। मेरा एक ही जवाब है, फ्रेंड रखना, फ्री हैंड मत होना, बस इतना ही मेरा जवाब। इसमें सब समझ लो, कंपनी भी सुधर जाएगी, सेल्फ कंट्रोल भी आ जाएगा। फ्रेंड जरूर रखो, फ्री हैंड मत हो। मित्र होने चाहिए लेकिन फ्री हैंड में मारामारी भी आ जाती है, चैन चाले भी आ जाते हैं, असंयम भी आता है, शिकार भी आता है, हमला भी होता है, दुराचार भी होता है, उसको मैं फ्री हैंड कहता हूं। फ्रेंड बनो, फ्री हैंड नहीं। फ्रेंड के नाम पर सब फ्री हैंड बने जा रहे हैं। फ्रेंड तो बनना चाहिए। मैत्रः करुण एव च, गीता में लिखा है संत का लक्षण मैत्री है। पतंजलि ने भी योग सूत्र में मैत्री शब्द का प्रयोग किया। तुलसी जी भी संतों के लक्षण में शीतलता, मैत्री, दया, इन सब को लेते हैं। मैत्री होनी चाहिए, फ्रेंड जरूर बनना, फ्री हैंड मत होना, बस इतना याद रखना। महानगरों वाले स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, इतना मेरा वाक्य याद रखें, क्योंकि एक 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 छात्र परिषद ने आज मुझे एक पत्र दिया है। संस्था का नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका एक पत्र है मेरे पास। बापू, हम व्यासपीठ से याचना करते हैं कि हमारा जीवन बिना सत्संग के अंधकारमय हो गया है, विद्यार्थी संस्कारहीन हो गए हैं, अतः हम लोगों में विद्यार्थी जीवन के सुधार हेतु रामकथा सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। अतः व्यासपीठ से प्रार्थना है कि हम लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए हमें भी कृतार्थ करने की कृपा करते। मैं तो यही कर रहा हूँ, रामकथा की आवश्यकता है, ऐसा छात्र परिषद मुझे पूछ रही है। विद्यार्थी परिषद के एक व्यक्ति ने, सर्वेश दुबे जी ने ये पत्र लिखा है मुझे। तो विद्यार्थी को, छात्र परिषद को रामकथा के सत्संग की जरूरत है, तो मैं तो यही करवा रहा हूँ, आओ। मैं तुम्हारा नगर तक आ सकता हूँ, फिर तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपके गांव तक आता हूँ और जहाँ ठहरता हूँ वहीं से फिर यहाँ आता हूँ। मेरे पेटे टूटे हुए पैर का मुझ पे ऐसा है कि तुम्हारा, फिर भी दौड़ते रहते हैं हम इधर उधर। अब तुम आओ, अब आइए। मैं विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ, युवा पीढ़ी के लिए बोल रहा हूँ, और मेरी दृष्टि में युवा जगत सादर निमंत्रित हैं। बड़े बुजुर्ग जरूर कथा है कथा में आए, लेकिन युवकों के लिए ये कथा विशेष है और बहुत अच्छा फायदा हो रहा। कल मेरे से एक युवक जा रहा था तो जरा ढीला हो गया, पत्र लिखा कि बापू एक ही कथा सुनी और मेरे जीवन का नज़रिया बदल चुका है, और मैं काम करता हूँ, मुझे जाना पड़ रहा है, मैं जाऊँ न जाऊँ? मैंने कहा आवश्यक काम हो तो जाओ, क्योंकि रामकथा यही सिखाती है कि अपने स्वधर्म को भूलो ना। तो विद्यार्थियों का मेरा आह्वान है, आइए, जरूर आइए, सुनो, जब जितना समय मिले वेकेशन में आओ। तो कथा तो चलती रहती है, तुमको वेकेशन होता है, मुझे तो वेकेशन ही जिंदगी भर मिला नहीं, अब तो अभी तो कोई वेकेशन आया नहीं मेरे लिए। आप आते रहो। बाप, फ्रेंड बनो, बनाओ, फ्री हैंड मत होना। गलत कंपनी से बचने के लिए फ्री हैंड मत होना, और अपनी जात को संयमित करने के लिए भी फ्री हैंड मत होना। यदि इंद्रियों को छूट दे दी गई
तो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंद्रियां संवेदनशीलता भी गंवा बैठे। हम खाते हैं तो इतनी जल्दी में खाते हैं कि स्वाद ही चुक जाते हैं, इतनी स्पीड में खाना कोई बुरी बात नहीं है, ये मेरे पर आ जाएगी बात, मैं जल्दी स्पीड में खा लेता हूँ इसलिए, लेकिन पूरा टेस्ट लेता हूँ वहाँ, ऐसे भी मैं चाय पीता हूँ जल्दी पी लेता हूँ, लेकिन चाय का पूरा रज रज का स्वाद लेता हूँ, और चाय ना ठीक बनी हो तो दो घूंट पी करके मैं दूसरे को कहता हूँ, जब ऑफर करूँ तब समझ लेना कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मेरी कुछ पद्धतियाँ हैं, मैं दो तीन व्यक्ति को जब ऑफर करूं कि जरा पिए इसमें से मेरी चाय से पिए, तो कुछ लोग समझ ही जाते हैं कि पीने योग्य नहीं होगी बापू, वरना नहीं कहते। टेस्ट लो, एक रोटी खाओ तो स्वाद के साथ खाओ, एक ही बार हरि नाम लो लेकिन स्वादु स्वादु पदे पदे उसका स्वाद लिया जाए, बोझ की तरह नहीं। स्पर्श करे एक बच्चे को तो संवेदना होनी चाहिए, एक बेटे के बेटी के सिर पर हाथ रखे तो एक भाव होना चाहिए, स्पर्शेंद्रियों ने संवेदना गंवा दी, इन हाथों ने निकम्मी इतनी चीजें पकड़ ली है कि संवेदना चली गई। ये जो शादी होती ना हस्तमिलाप इसीलिए था कि संवेदना कितनी है जरा चेक किया जाए, और चेक करने के लिए कपड़ा ऊपर ढक देते थे जांच के लिए कि संवेदना की। इससे पहले तो ये फ्री हैंड होते ही नहीं, न फ्रेंड होते न फ्री हैंड होते देहातों में, तो हस्तमिलाप संवेदना की कसौटी है, स्पर्श की। हम महिमा चुप गए, एक सदगुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखता है, शिष्य सदगुरु के चरण पर हाथ रखता है, संवेदना की एक विद्युत पसार होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी पसार होती है। ये गवां बैठे तो गायों की हत्या अनीति है, तो गायों को स्थूल रूप में बचाना नीति, वो मरे नहीं अनेति, और हमारी इंद्रियों का भयंकर रूप में शोषण करना गोहत्या है। अब कई कई लोग, एक भाई ने कभी कथा में मुझे पूछा था, मुझे याद आया, कभी मैं भरत चरित्र की कथा कर रहा था उसी में एक प्रश्न आया था मेरे पास कि मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ और बापू आप मुझे बताएं कि ग्रंथों में ब्रह्मचारी को कैसा लंगोट पहनना चाहिए, सन्यासी को कैसा पहनना चाहिए, गृहस्थ को त्यागियों को कैसा लंगोट पहनना चाहिए, वो मुझे बताएं। मैंने कहा भाई ये मैं कैसे बताऊँ कैसा लंगोट पहनना चाहिए, तो मैंने जवाब दिया था संयम का लंगोट पहनना चाहिए, संयम चाहिए, अपनी इंद्रियों को सम्यक रूप में संभालना। आंख अच्छी वस्तु देखे इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन देखने के बाद उसके शोषण की वृत्ति पाप है। हाथ किसी अच्छी चीज को छुए तो पाप नहीं, लेकिन उसी का शिकार पाप है। कान कोई अच्छी बात सुने तो पाप नहीं, लेकिन ये सुनने के बाद उसका गैर अर्थ पाप है। जबान बोले कोई पाप नहीं, लेकिन ऐसी तैसी बातें बोले तो पाप। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में सभी इंद्रियों को सार्थकता प्रदान की, सभी इंद्रियों को सार्थक, तुलसी तुलसी है। परम वैरागी आदमी ने इंद्रियों को कितनी दीक्षित की है मानस में, कि तुम्हारे कान है सुनो, तुम्हारी नासिका है बास लो, तुम्हारी जीभ है बोलो, तुम अच्छे गहने पहनो, तुम अच्छे कपड़े पहनो, तुम अच्छा भोजन लो, सभी इंद्रियों को दीक्षित कर रहे हैं अयोध्या कांड। जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कर की भरगी निरंतर हो न हो, इनके ही तुम्हें कहो गृह रो। भगवान ने कान दिए हैं तो शुभ वार्ता सुनो,
धर्मम भजस्व सत्वम त्यज लोक धर्मान। भागवतकार कहते हैं लोक धर्म को छोड़, लोक धर्म ऐसी तैसी चर्चाएं छोड़ो, सत्संग सुनो, काम की सार्थकता। तुलसी जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करी, अच्छा खाओ, भोजन करो, खाने की मना नहीं की, लेकिन संकल्प करके कि मैं पहले प्रभु को भोग लगा रहा हूं। अब आप कहते हैं कि हमें कोई प्रभु में निष्ठा नहीं, तो कोई गरीब को भोग लगा कर खाओ, वो भी भगवान को भोग लगाया बराबर है। कोई भूखे को रोटी देकर खाओ, मंदिर वाला भगवान तो कहाँ खाता है, इसलिए तो हम खिलाते हैं, खाता तो कोई नहीं खिलाता। जितना ठाकुर जी को भोग लगाओ अन्नकूट, लक्ष्मी जी और दोनों खा जाए तो दूसरी दीपावली के बाद अन्नकूट बंद हो जाए। भगवान कृष्ण एक बार मूर्ति से बाहर निकल गए, मूर्ति से जैसे पिक्चरों में निकलते हैं बाहर, ऐसे कैमरा की जो आर्ट होती है उससे, तो भगवान मूर्ति से बाहर निकले। पुजारी इधर उधर गया था, क्योंकि पुजारी होता है ना तब तक भगवान बाहर भी नहीं निकल सकते। हमारे गुजराती में एक गीत सब पुजारियों की वो नहीं है, पुजारी तारा प्रीतम ने, ऐसा कोई पद है, पुजारी तारा प्रभु जी ने आत्म ने वजल मारा खमा, ऐसा एक गीत है गुजराती। तो पुजारी नहीं था तो भगवान निकला, तो पुजारी भी उसका, तो उसको टेलीपैथी हुई कि कुछ मूर्ति में कुछ गड़बड़ लगती है, आज कुछ हलचल हो रही, तो एकदम तुरंत आया। इसी में भगवान निकले, पुजारी ने कहा आप कौन है, आपका परिचय? बोले मैं कृष्ण भगवान हूँ, जा रहा हूँ। क्यों? कि जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं ऋतु ऋतु की, तू मुझको छुआ करके तू खा जाता है, बच्चों को खिला देता है। अरे कश्मीर से अभी सेब आए थे, अभी मैंने देखा ही नहीं, बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा करके तू उठा गया। मुझे नहीं रहना, हद हद हो गई, सहन करने की भी कोई हद है? इतना तो मैंने जीवन जन्म लिया तब भी नहीं सहन किया था, जो आज तू मुझे सहन करवा रहा। तो पुजारी ने पूछा कि आप कृष्ण भगवान ही है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मूर्ति से निकला हूं, देखना मूर्ति और मुझे देख, एक ही तो है, लेकिन प्रमाण क्या? इतने में एक वकील महोदय दर्शन करने आए, तो पुजारी ने कहा वकील साहब एक कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं मूर्ति से बाहर निकल कर जा रहा हूं, वो कहते मैं स्वयं कृष्ण हूं। मैंने पूछा प्रमाण क्या, अच्छा हुआ आप मौके पर आ गए। तो वकील ने कहा उसको हाथ में गीता पकड़वाओ, कृष्ण को गीता पर हाथ रख कर बोल कि मैं कृष्ण हूँ, वसुदेव श्लोक बोल तू, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम, वो मैं हूँ, शपथ ले। मेरे भाई बहन, इंद्रियों को दीक्षित किया गोस्वामी जी, अच्छा खाओ, ठाकुर जी को भोग लगाकर, किसी गरीब के पेट में रोटी डाल करके, किसी भूखे को कुछ देकर, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देना मस्जिद की एक नमाज हो जाती है, किसी भूखे को अपाहिज को मदद करना मंदिर की आरती हो। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर की आरती की कोई महिमा नहीं, उसकी महिमा है, मस्जिद की नमाज की महिमा है, लेकिन केवल इतने में ही हम धर्म को न समझ ले। कृपया सभी इंद्रियों को तुम ही निवेदित भोजन करही, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, सुंदर कपड़े पहनो आभूषण पहनो, लेकिन भगवान के प्रसाद के रूप ये मुझे मिला है वो प्रभु का प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। इनकी कर नित कर ही राम पद पूजा, मेरे हाथ भगवान के चरणों की पूजा करे, भगवान के चरण
इस विश्व विराट परमात्मा में दीनहीन लोग जो हैं वो उनके पैर हैं, उनकी सेवा करना। कर नित कर ही राम पद पूजा, चरण राम तीर्थ चली जाही, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, सभी इंद्रियों को सार्थक। गो की हत्या अनीति है, इंद्रियों का हद से ज्यादा दमन, विकृति जिसको कहते हैं वो अनीति है। सीधा ही विप्र धेनु सुर देवताओं को मुश्किल पड़े, दैवी समाज को तकलीफ हो, दैवी लोगों को परेशानी प्राप्त हो, ये अनीति है। और आखिर में धरणी धरती पृथ्वी को तकलीफ हो, तो राम जन्म के कुछ जो हेतु है देवी, इनमें मेरी बुद्धि के अनुसार, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ऐसी परिस्थिति जब होती है सत्य प्रेम और करुणा को हानि, असुर अधमता और अहंता की बढ़ोतरी, धेनु धरणी विप्र और सूर को त्रस्त करना अनीति, ऐसी परिस्थिति में भगवान विध विध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा हर लेते हैं। तो ईश्वर सज्जनों की ही पीड़ा हरे, दुर्जनों की नहीं? तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि आपने लिख दिया, अरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जन की पीड़ा भगवान हरेंगे, तो सज्जन की पीड़ा यार दुर्जन को नहीं? तुलसी जी का दुर्जन उसको कहते जिसको पीड़ा महसूस ही नहीं होती। किसी को मार दे पीड़ा ही महसूस नहीं, किसी का अपमान करें पीड़ा ही महसूस नहीं, किसी को धक्का अपमान करें पीड़ा ही, जिसको कोई ग्लानी होती ही नहीं उसकी पीड़ा कैसे हरना, उसको फील ही नहीं हो रहा है कुछ। हर गी कृपा निधि सज्जन, तो ये सूक्ष्म हेतु है, असुर मारी था जग विस्तार ही विसर जस राम जन्म कर। आसुरी वृत्ति को मार करके उसको समाप्त करके सूरी तत्व इसकी पुनस्थापना करके अपने वेद मर्यादा की रक्षण करके श्रुति सेतु का पालन करके जगत में अपने विमल यश का विस्तार करना ही राम जन्म का हेतु है। और आगे बोले, सोई जस गाई भगत भवत कृपा ऐसे परमात्मा के यश कीर्तन करके भक्त लोग संसार को तैर जाते हैं। कृपा सिंधु ऐसे संतों के लिए भक्तों के लिए देह धारण करते हैं। राम जन्म के हे तू अनेका सक अपरम विचित्र एक ते जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनूँ सुमति भवानी द्वार
पाल हरि के प्रिय जय अरु विजय जान सब को। तो पूर्व में सूक्ष्म रूप में बीज के रूप में राम जन्म के कई हेतु है, इसकी चर्चा भगवान शंकर ने सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए वहीं से लेकर की है। अब उसमें आगे बढ़े, अनेक हेतु है, सब परम विचित्र हैं, इनमें से वर्णन करके विस्तार करके मैं कुछ आपको सुनाऊं। पहला प्रसंग जय विजय वाला, जिसकी संक्षिप्त चर्चा व्यासपीठ ने कल की। हरि के द्वारपाल विप्रश्राप के कारण दोनों तामस असुर देह प्राप्त करते हैं, राक्षस होते हैं, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु। भगवान वराह रूप लेकर एक को मारते हैं और नृसिंह रूप लेकर दूसरे को मार करके भक्त प्रहलाद का यश का विस्तार कर देते हैं। कश्यप अदिति तहां पितुमाता दशरथ कौसल्या विख्याता। वहाँ ये माता पिता थे, तीन जन्म की कथा बताई और फिर भगवान शंकर एक कल्प में प्रभु ने इसलिए अवतार लिया। कल्प शब्द जो है हमारी काल गणना में सबसे लंबे काल की गणना का शब्द है। लव बिल्कुल छोटा, निमेश थोड़ा बड़ा, लव निमेश परमाणु इससे थोड़ा बड़ा, लव निमेश परमाणु जुग इससे बड़ा, लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचन। कल्प आखिरी काल गणना है भारतीय गणित के मुताबिक। प्रत्येक कल्प प्रभु के अवतार होता है। तो एक कल्प में हे देवी राम का अवतार हुआ, जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं और भगवान उसको दिव्य गति प्रदान करने के लिए राम रूप में प्रकट होते हैं। वो जय विजय वाला कारण। अब दूसरा कारण संक्षेप में शुरू करते हैं। एक कल्प सुर देखी खारे समर जलंधर संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा परम सती असुरारी कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर। दूसरा कारण बिल्कुल संक्षिप्त कारण, हे भवानी राम जन्म का दूसरा कारण दूसरा हेतु है। एक बार एक कल्प में देवताओं का बहुत बड़ा दुख देखकर भगवान ने अवतार लिया। क्यों? कि ये देवता इसलिए दुखी हुए कि जलंधर नामक राक्षस से सब हारे। समरांगण में जब भी देवता जलंधर के सामने गए और पराजित हुए। देवताओं और असुरों का जहां जहां संग्राम होता है वहां करीब करीब देवता ही मार खाते, करीब करीब, खबर नहीं क्या है। अच्छा समाज है देवता, अदिति की संतान है, राक्षस लोग तो दीति की संतान है, द्वैत की संतान असुर है, अद्वैत की संतान देवता है। ये हमारा शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जो अर्थ होता है। लेकिन करीब करीब मार खाने की बात आती है तो देवता ही समर जलंधर, कोई भी राक्षस आया और देवता बस मरे ही समझो। मुझे दो तीन कारण लगते हैं। आदमी हारता क्यों? देवता बड़े भगवान के अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति है, समाज है,
भगवान उनका पक्ष बार बार लेते हैं, यहाँ भी छल करके भी उनका पक्ष ले रहे हैं जलंधर के प्रसंग। लेकिन ये लोग मार क्यों खाते हैं? ये राक्षस है ना, उसमें बल बहुत अक्कल कम। जिसमें बल ज्यादा और अक्कल कम हो समझना कि वो देवता क्या है, बल है लेकिन जरा नाजुक बल है उनका, कोमल बल है उसका। और अक्कल बहुत लेकिन अक्कल में स्वार्थ बहुत। देवताओं के कुछ दोष है। यहां इंद्रादि देवताओं की बात है और इंद्र भी वेद में आता है तो देव नहीं है, ब्रह्म है। वेद में जब इंद्र को पुकारा जाता है तब ईश्वर के रूप में उसका पुकार है, वो इस रूप में नहीं कह रहा हूं। एक देवराज के रूप में, सुरेश के रूप में, नागपति के रूप में जो वर्णन देवताओं का है और उनका जो मालिक इंद्र है उसकी। देवता हारते हैं इसका कारण है स्वार्थ है। स्वार्थी आदमी सदा मार खाता है। कुछ समय थोड़ा जरूर अपना स्वार्थ छलबल करके निकाल लेता लेकिन आखिर में उसको पराजित होना ही है स्वार्थी। दूसरे देवता कामी है, बहुत भोगी है, इतने कामी है कि गौतम ऋषि के आश्रम तक ये लोग जा सकते हैं, वहां तक ये पहुंच जाते हैं अहल्या को छलने के लिए। देवता लोभी है, बहुत लोभी है। और जो कामी है, लोभी है, स्वार्थी है, उसको मार खाना ही पड़ेगा। ऐसा मानस में लिखा, स्पष्ट लिखा। जे कामी लोलुप जग माही अकुटिले काक इव सबही मुनि गति देखी असुरे स्वार्थी है, बड़े स्वार्थी। सुर स्वार्थी गोस्वामी जी कहते हैं। स्वकार्य कुशल देवता है ऐसा भागवतकार सुखदेव जी कहते हैं। छली है ये लोग, छल करते हैं, कामी है, लोभी है। अब देवताओं के घर में कौन सी कमी है? लेकिन ये लोग पृथ्वी तक उतरते हैं काम के लिए, भोगों के लिए, यहां तक वो आते हैं और बड़े लोभी है। सच में देवता कौन? वो देवता की छोड़ो, पैंट पहना हो तो भी देवता है, धरती पर देवता है, दिल्ली में रहता हो तो भी देवता है। मुश्किल है फिर भी देवता है। चार वस्तु से बच जाए वो देवता है। पर द्रोही, पर दाररत, पर धन, पर अपवाद, चार पर जिसका छूट गया वो दैवी व्यक्ति है। पर द्रोही, दूसरों का द्रोह न करे वो देव, बिल्कुल सीधी सादी व्याख्या। मन वचन कर्म से हम दूसरों के लिए कभी दुर्भावना ही न करें, दूसरों के लिए कभी गलत सोचे ही ना, द्रोह न करें। परद्रोही, परदार रथ, आसक्ति के कारण, भोग के कारण, अपनी कामना के कारण जहां सौंदर्य देखा और उसमें लुब्ध होना दैवीपणा का निषेध है, वो दैवी तत्व नहीं। परद्रोही, परदार रथ, परधन, दूसरे का धन छीन ले बस वो असुर है। दूसरे का धन न ले बस कुछ भी हो, लेकिन लोभ ये कराता है।
एक व्यापारी था ना, घी का धंधा करता था, तो उसको लगा कि घी की बहुत तंगी है और मैं ज़्यादा घी बेच सकूँ अच्छी कीमत में, तो घी में मिलावट करने लगा। तो घी में कुछ ऐसा डाल देता था और ज़रूरत लोगों को रहती थी तो ऐसे मिलावट वाला घी सब खरीदते थे और लोग बीमार होते थे। तो राजा को पता लग गया कि आदमी बेईमानी कर रहा, मिलावट कर रहा, पकड़ा गया रंगे हाथ, ले आया दरबार, तुमने बेईमानी की है व्यापारी, बड़ा कंजूस बड़ा लोभी है तू, प्रजा का ख्याल करना चाहिए, तू ये बेईमानी कर, तूने मिलावट वाला घी बेचा, तुम्हें तीन दंड दिया जाते हैं, तीन में से जो चाहो एक कबूल कर सकते हो। बोले पहले क्या कि एक किलो घी तूने जो मिलावट किया है वो तू पी, पहला दंड तुझे, कि जो मिलावट करके घी तूने बेचा है और पूरी बस्ती इससे बीमार, एक किलो उसको पिलाओ, ले आए एक किलो। अब लोभी आदमी, दूसरा दंड सात चाबुक कौड़े मारे जाए दूसरा दंड, और तीसरा 700 रुपया देना पड़े, तीन में से एक कबूल कर, बोले घी पी जाऊंगा। 700 देना घी पी जाओ, अब एक किलो पीने में मिलावट वाला तो मिलावट वाला, उसमें इतने दूसरों का धन खा गया तो कुछ नहीं हुआ, इस घी से क्या होने वाला है। मेरी इच्छा है, गांधी जी ने तीन बंदर रखे थे ना, एक चौथा बंदर मुझे देश में रखना है। गांधी जी ने एक बंदर बिठाया आंख पर हाथ, बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कान पर हाथ, बुरा मत सुनो, तीसरा बंदर मुख पर हाथ, बुरा मत बोलो। मेरी इच्छा है कि चौथा बंदर एक रखूं जो पेट पर हाथ रखे, बुरा मत खाओ, और दिल्ली में तो ये खास बंदर रखना चाहिए। हमारे एक दिनेश भाई हास्य कला के वो है, वो तो कहता है बापू मैं आपने चौथा बंदर कहा, मुझे एक पांचवा बंदर रखना है जो सिर पर हाथ रखे, बुरा मत सोचो। दूसरों के पैसे खाने वाले असुर है, सूर नहीं। हर चीज आदमी को नई चाहिए, नई फिल्म, नया गीत, नया संगीत, और सब इंस्टेंट चाहिए, नया खुराक, नए पहरवेश, नए महोत्सव के सब नए चाहिए। आदमी रुपया में नया पुराना कुछ नहीं दिखता, जो आया ले लेता है, जो आया ले लेता है, उसमें कि पुराना है तो हटाओ, क्योंकि उनके मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट पुरानी हो कि नई हो, मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को पुराना नया में रस नहीं, लोभ के कारण उनके मूल्य पर रस है। कुछ आपने देखा, कुत्ते को रोटी डालो सूंघ कर खाएगा, पहले सूंघेगा, खाने योग्य होगा तो खाएगा। पशु पक्षी की नासिका बहुत तेज होती, लेकिन किसी भी आदमी को रुपया दो बिना सूंघे ले लेता, बिना सूंघे, कुत्ते से भी गए बीते। इसलिए बुल्ले शाह तो कहते हैं, राती जागण कुत्ते, बुल्ले शाह कहते हैं कि कुत्ते तो इतने अच्छे हैं कि रात को जागते हैं, हम तो कुत्ते से भी गए पीते हैं। बुलिया कहता, बुल्ले शाह और गोविंद शाह दोनों सूफी महापुरुष जब घूम रहे थे ना, तो एक जंगल में बैठे थे बुल्ले शाह और गोविंद शाह। इसमें एक युवान व्यक्ति गाय चराता चराता, जिसका नाम जगजीवन था, वो आता और पहुंचे हुए दो बादशाह थे। जगजीवन ने आकर प्रणाम किया, बाबा नमन, दीर्घायु हो बेटे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले आग ले आ, जा आग ले आ, अग्नि ले आ। अब सोचा कि बुल्ले शाह जैसा बादशाह, बुल्ले शाह जैसा फकीर मुझे अग्नि लेने को कहता है, शायद रसोई पकानी होगी, शायद ठंडी से बचने के लिए अग्नि चाहिए, या तो कोई साधना की पद्धति होगी। तो वो दौड़ता दौड़ता घर जाता है और अपने घर से अग्नि एक मिट्टी के बर्तन में लेकर के, जैसे निकला घर से तो सोचा कि मेरे घर में तो मैं किसान का बेटा हूँ, यानी अच्छी वस्तु है, तो दूध भी लेता चलूँ। बाबा ने तो नहीं मांगा, लेकिन कम से कम दूध लेता चलूँ।
तो एक लोटे में वो दूध भी ले जाता है और बुल्ले शाह के पास आकर अग्नि और दूध रखते हैं। बोले मैंने तो आग मांगी थी तो दूध क्यों ले आया? बोले आपने मांगा नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि घर गया ही हूँ और घर में भगवान की कृपा है तो संत की एक और सेवा हो जाए, आप कुछ दूध पिए कुछ बनाए इसलिए दूध लाए। बोले बस अब दूध और आग दोनों वापस ले जाओ, तेरी परीक्षा हो गई, हम जा रहे हैं। बोले कमाल है, ये क्या बात है? बोले हाँ बेटा, तूने जिस तरफ प्रणाम किया ना, इससे पता लग गया कि थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है तेरी जागृति को। मैं पर खड़ा था और थोड़ा सा एक स्पर्श हो जाए, तेरी बात बन जाए, इसलिए हमने आग मांगी। कहाँ सर्दी के दिन है, आग की क्या जरूरत, लेकिन आग मांगी और इसके पीछे हमारा एक रहस्य था कि तू केवल आग लाता है कि और कुछ लाता है, तू दूध भी लाया। बाबा मैं समझ नहीं पाया। बोले आग ये तीव्र जिज्ञासा का प्रतीक है, तीव्र जिज्ञासा, और दूध सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, वो श्रद्धा का प्रतीक है। तुझ में जिज्ञासा भी है पाने की और तुझ में श्रद्धा भी है, इसलिए अब तेरी बात बनने की है। आशीर्वाद देकर दोनों निकल जाते हैं और फिर जगजीवन घर जाकर बहुत रोया। माता पिता को कहा कि आग मैं देने गया था लेकिन आग लग गई, गया था देने लेकिन आग लग गई, दूध लेकर गया लेकिन श्रद्धा इतनी बलवत्तर हो चुकी है कि अब मैं घर में नहीं रह पाऊंगा। माता पिता भी समझ गए कि उसको छोड़ दिया जाए और वो दौड़ता हुआ, और वो बादशाह लोग ये फकीर लोग भी प्रतीक्षा करते थे, जगाने वाले आदमी ऐसे होते हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आएगा जरूर। फिर जगजीवन वहाँ पहुँचता है। ये बुल्ले शाह राती जागरण कुत्ते, कुत्तों की महिमा गाया करते, कुत्ते बेहतर है, अच्छे हैं कुत्ते, सूंघ कर खाता है। तो बोले तीन दंड है मिलावट वाले घी बेचने का, एक किलो घी वो ही तू पी जा, वो यदि न करना है तो 7 कौड़े खा, वो न करना है तो 700 रुपया ले दे। उसने कहा घी पी जाते। अब मिलावट वाला खुद का बनाया घी जब पीने गया तो 2-4 घूंट पी और पेट में इतना दर्द बढ़ा, बमन होने लगा और इससे ऐसे ऐसे इतने 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 ढकने लगा, गिर गया, ऐसे ऐसे होने लगा। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, दूसरे वाला दंड दो। आधा घी पिया, बीमार हुआ, अब कहा कि ये दंड नहीं, दूसरे वाला लिया कौड़ा, 1, 2, 5 कौड़ा मारा तो लहूलुहान। बोले नहीं नहीं 700 रुपये ले लो, लोभी की यही दशा होती है, आखिर में 700 देना पड़ा, इससे पहले मिलावट वाला घी भी पीना पड़ा, 7 कौड़े भी खाने पड़े और आखिर में 700 देने। जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सब ही डराए, देवता लोभी है, मार ही खाते। 33 कोटि यहाँ 2-3 दिन होते हैं, यहाँ तो एक जलंधर ही है, एक कैला काफी है, समंदर में खड़ा रहता था, कहीं भी समंदर में जलंधर को खड़ा रखो जल के अंदर तो कमर तक ही समंदर आता था, ये जलंधर था, कहीं भी समंदर में खड़ा रखो इस राक्षस को, जहां भी खड़ा कमर तक पानी, उसको जलंधर कहते हैं। तो देवता हारते हैं क्योंकि स्वार्थी हारते हैं, लोभी हारते हैं, कामी हारते हैं, कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। कुटिल काक सब कुटिल काक इव सब एक कलप सुर दुखारे। एक कल्प में देवता बहुत दुखी हो गए। तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि क्यों दुखी हो ये? समर जलंधर सन सब समरांगण में, युद्ध के मैदान में
जलंधर से सब हार गए। जलंधर को एक वरदान था, जलंधर जब युद्ध के मैदान में जाता था, उसकी अगल बगल की कई कथाएं आती है जो मैंने जलंधर की कथा में उसको पूरा 9 दिन उसके लिए निकाला था। जब वो लड़ने के लिए जाता था तब उसकी पत्नी जो वृंदा थी, उसकी पत्नी का नाम वृंदा, वो एक माला उसके गले में पहनाती थी और पति को कहती थी कि ये माला जब तक मुरझाएगी नहीं तब तक ईश्वर भी आपको नहीं मार सकता, प्रकृति के नियम बदल जाएंगे, अस्तित्व ने अपने कानून को बदलना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा आपका। जलंधर पूछता है कि फूल का तो स्वभाव है शाम को मुरझा जाना, मानो कि ये तेरी माला बहुत कुछ विशिष्ट है तो कुछ दिन में मुरझा सकती है। बोले ए मेरे सतीत्व की माला है, मेरे पातिव्रत की माला है, ये माला के फूल तभी मुरझा सकते हैं जब मेरे सतीत्व का भंग हो, मेरे पातिव्रत व्रत का खंडन हो, तभी माला मुरझाएगी, फिर आपकी मृत्यु होगी और ये होने वाला नहीं। इसलिए समर जलंधर सर। अब जलंधर से देवता तो हारे लेकिन काल के काल महाकाल शंकर ने भी बहुत संग्राम किया लेकिन जलंधर नहीं जीता गया। त्रिपुरारी, पुरारी शब्द को स्वामी जी ने लिख दिया कि त्रिपुरासुर राक्षस को वश करने वाला महादेव भी जलंधर के सामने कुछ नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। एक काल के काल भगवान महादेव, ये महाकाल और वो महाबल, लेकिन शंकर बार बार संग्राम करे फिर भी मरता नहीं। संग्राम का अर्थ मैंने जलंधर की कथा में किया था, संग्राम युद्ध नहीं है, संग्राम का अर्थ लड़ाई नहीं है। हमारे देश में प्राचीन काल में ठीक है कभी कभी पर्यायवाची अर्थों में युद्ध शब्द आया है, लड़ाई आई है, समर आया है, लेकिन संग्राम ये बड़ा प्यारा शब्द है। लड़े तो बहुत हमारे इतिहास में लोग, लेकिन उसको हम संग्राम कहते थे। संग्राम का अर्थ होता है संग में राम को रखकर लड़ना, इसको कहते हैं संग्राम। राम को लेकर लड़ना नहीं, राम को लेकर लड़ना, उसका नाम है संग। इसीलिए हमारे यहां युद्ध को धर्म युद्ध कहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता नामका पांडवास्ते धर्म युद्ध माना गया, क्योंकि हम राम को साथ में रखकर संग्राम लड़ाई करना पड़े तो भी हम राम को संग में रखते हैं, राम को नहीं। ये हिंदुस्तान की महिमा है। हाँ, तो भगवान शंकर लड़ रहे हैं फिर भी आदमी मरता नहीं है। महाकाल इस महाबली को मार नहीं पाए, पुरारी त्रिपुरारी शिव इस जलंधर को पराजित नहीं कर पाए। गोस्वामी जी को पूछा किसी ने कि भाई कारण क्या था, तो अब तीसरी पंक्ति में कारण बता दो। परम सती असुराधिप नारी तेई बल पर
सती असुरा देव नारी। जलंधर देवताओं से न मरा, शंकर भगवान उसको पराजित न कर पाए। कारण जलंधर नहीं था, कारण था उसकी पत्नी वृंदा। गोस्वामी जी बहुत सम्मान दे रहे वृंदा को, परम सती। रामचरितमानस में एक सती है दक्षसुता, सुनहु सती तव नारी सुभाव, संग सती जग जननी भवानी। एक सती है, एक सती शिरोमणि सी सीता है, जिसको गोस्वामी जी सती शिरोमणि कहते हैं। यहाँ वृंदा को क्या सम्मान दे रहे हैं, परम सती असुरा। मंदोदरी भी सती है, अहल्या को भी हमने बहुत सम्मान दिया भारती वांग्मयी ने, लेकिन ये वृंदा असुर की जो पत्नी है उसको गोस्वामी जी कहते हैं परम सती असुरा। ये परम सती है उसकी पत्नी। दो तीन अर्थ मुझे लगते हैं। एक, असुर की पत्नी परम सती, इसका एक अर्थ हो सकता है कभी कभी राक्षस की पत्नी भी परम सती हो सकती है, और कभी कभी बड़े उच्च कोल के रहने वाली स्त्री भी अधमा नारी हो सकती है। एक तो ये भ्रांति तोड़ी कि भाई उत्तम कुल में उत्तम ही आए, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा हो सकता। असुराधिप नारी परम सती है। अहल्या बड़ी सत से भरी, वृंदा बहुत सत से भरी है। सती शिरोमणि से भी उनकी परम सती का, और सती किसको कहे, पतिव्रता नारी किसको कहे, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में किया है अनसुया जी के मुख से, जिसको लोग अनसुया गीता कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगना। अरण्य कांड में जहाँ महासती अनसुया जी जानकी जी को नारी धर्म की चर्चा करती हैं, तब चार विभाग स्त्री का करते हैं। मातृ शरीर चार प्रकार की स्त्री, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम, चार प्रकार का वर्गीकरण गोस्वामी जी ने उस समय के समाज को दृष्टि में रखते हुए ये वर्गीकरण किया है। अनसुया जी कहते उत्तम पतिव्रता स्त्री कौन, सपने हूँ आन पुरुष जगना। और ध्यान देना, ये पति पत्नी के बीच का ही मामला नहीं है, ये अध्यात्म मामला है। एक भक्त भी अपने इष्ट देव को पति कहता है, और वो अपने आप को इनके चरण में समर्पित मानता है। इसलिए तो कल भी हम गा रहे थे कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन को अपना पति समझता था, और कहता है मोहि सुहागन कीनी। उत्तम शरणागत कौन, सपने हूँ आन पुरुष जगना। सपने में भी मेरे इष्ट के अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि सोई स्वामी मम, कही शिव नायु नाथ। तो दोनों अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से। उत्तम प्रकार की नारी वो है जो सपने में भी, जिसके मन में किसी पुरुष का चिंतन ना हो। सपने हूँ आन पुरुष
जगना मध्यम पर पति कही कैसे ब्राता पिता दूसरे स्थान वाली स्त्री कौन कि दूसरी व्यक्ति को वो देखती हैं लेकिन छोटी उम्र है तो पुत्र मानेगी समान है वही उम्र तो भाई मानेगी बड़ा है तो पिता मानेगी उस नारी के सतीत्व को दूसरा दर्जा दिया भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ये मेरा बाप है ये मेरा भाई है और ये मेरा बेटा है इसी भाव से दूसरी व्यक्ति को देखना नारी वर्ग के सतीत्व का दूसरा स्थान है धर्म विचारी समझी कुल रही सो निकृष्ट तीसरा प्रकार की नारी धर्म का विचार करे और धर्म का विचार करके अपने कुल को बचा ले अपने कुल की रक्षा कर ले कि मेरा ये धर्म है मेरा ये दायित्व है मेरा ये कर्तव्य है मेरा मेरी ये परंपरा है धर्म जिसको बचा दे सोच गलत होने लगे कदम गलत उठने लगे लेकिन फिर धर्म आड़ में आ जाए कि मेरा धर्म मना करता है मैं ऐसा नहीं सोच सकती मैं ऐसे कदम नहीं उठा सकती और जो बच जाए उसको गोस्वामी जी तीसरा दर्जा देते हैं धर्म के कारण जो बची वरना नहीं बच सकती थी अच्छा स्थान है ये भी कि धर्म बचा धर्म निर्वाह इसलिए है कि धर्म हमारा रक्षण करता है हमको बचाता है हमको लक्ष्मण रेखा नांगने से रोक देता है धर्म की ये मर्यादा है उसको तीसरे दर्जे की स्त्री की और चौथा दर्जा बीनु अवसर भयते रहे जो जाने अवसर नहीं मिल रहा है और किसी का भय है अवसर अभाव और भय के कारण जो पतन से बच जाती है वो चौथे प्रकार की स्त्री है धर्म उसको रोक नहीं पाता धर्म का तो अतिक्रमण कर लेती है लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है समय का अभाव है समय सुचारू नहीं है और किसी का भय है भय और अवसर अभाव से जो अपने पतन से रुक जाती है उसको गोस्वामी जी चौथे प्रकार की नारी का दर्जा देता है गोस्वामी जी ने भले ही न लिखा है लेकिन मुझे कहना जितना नारी के बारे में इतना पुरुष के बारे में होना चाहिए यहां तुलसी जी को अनसुया जी बोता रही इसलिए उसने नारी की बात कही लेकिन यहां अत्री बोलता तो मेरी बात से सम्मत हो जाते कि यहां पुरुष की भी बात होनी चाहिए केवल एक नारी समाज को ऐसा न किया जाए पुरुष के लिए भी यही दायित्व होना चाहिए मेरी समझ में नहीं आता कि आज दुनिया में दाम्पत्य जीवन क्यों बिगड़ रहा है जहां जहां देख एक भाई ने तो विनोद में कहा कि पत्नी और पति की व्याख्या क्या बोले सब भूल करे फिर भी कबूल न करे वो कौन हो सकता है वो कौन भूल सब करे लेकिन कबूल एक भी ना करे हाँ बोलिए ना उसको
वो कहने वाले कहते हैं, बुरा मत लगाना, ये तो किसी ने विनोद में कह दिया, और विनोद में तो सब चलता है, होली है, भले चली गई लेकिन होली के दिन गए अब भूल सब करें लेकिन कबूल जरा भी न करें उसको, कहीं कहीं पत्नी कहते हैं, लेकिन एक भी भूल नहीं, पूरा सत्य हो, फिर भी सब कुछ स्वीकार करके माफी मांग ले, समझना कि पति महोदय होगा। गुरु शिष्य से भी उत्तम संबंध पति पत्नी का हो सकता है, लेकिन किसी को जीना ही नहीं। पत्नी का कर्तव्य है कि मेरे पति के प्रति मेरी कैसी दृष्टि हो, मैं उसको कैसे संभालूं, मेरा क्या दायित्व है, सास ससुर परिवार जनों की सेवा पत्नी का, लेकिन उनके केंद्र में देखो, राम की कोई पूजा करे ना तो वो सीता की भी पूजा करेगा, लक्ष्मण की भी पूजा करेगा, हनुमान जी की भी पूजा करेगा, लेकिन क्यों करता है सीता लक्ष्मण हनुमान की, क्योंकि मूल में उसको राम की पूजा करनी है। वैसे एक पत्नी को चाहिए अपने पति को केंद्र में रखकर परिवारजनों की सेवा करे, पति को ही भूल जाए। कई लोग तो पति को कुछ जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, बेचारा नहीं। तो मुझे दोनों पक्ष कहने हैं, राम कथा सुनने वाले अपने दाम्पत्य को ठीक कर, ये बहुत जरूरी है, लेकिन खबर नहीं सब कुछ होता है, लेकिन पति पत्नी का अभी तक आपका क्या अनुभव है, बड़ा मुश्किल मामला, बड़ा मुश्किल। दाम्पत्य सुंदर हो बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। पति पत्नी शॉपिंग करने गए, पत्नी ने ऊंची एड़ी वाले बूट पसंद किए, आधे फूट एड़ी वाले चप्पल पसंद किए, तो पति ने कहा दुकान वाले को कि ये चप्पल पैक मत करना, ये नहीं। तो उसने कहा हमारी बहन जी पसंद कर रही है, उसको पहनना है, आप क्यों मना कर रहे? बोले बहन जी मत कर, ये चप्पल तो पैक मत कर। अरे लेकिन मुझे क्या लेना देना, कोई भी लो, मुझे तो बेचना है, लेकिन हमारी बहन जी कहती है कि हमें ये चाहिए, उसकी जो मौज है, उसका जो शौक है, वो खरीदने दो ना। बोले खरीदी की वो खाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा वो खाने आएगा, ये देखने सब जगह जो निशान है उनके है। बाप पति और पत्नी, पति भी उत्तम होना चाहिए जिसकी दृष्टि में सपने हो आन तत्व ना हो, ये हो। मध्यम पति वो है कि दूसरों को बेटी माँ और बहन के रूप में देखे। तीसरा पति का दर्जा वो है कि धर्म का विचार करके अपने पतन से कदम को रोक ले। और अधम पति वो है जो बिना अवसर और भय के कारण पतन से बच गया, वो अधम पति है। ये रामायण में लिखा नहीं है लेकिन मुझे खास कहना, पुरुष को ही लागू हो और स्त्री को लागू हो और पुरुष को ना हो, ऐसा ठीक नहीं। वहां प्रसंग में जरूरी नहीं था इसलिए नहीं कहा, आज तो इसकी जरूरत है, दोनों पलड़े ठीक रहे, यह आवश्यक है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, परम सती असुरा हमारे साहित्यकार लोग गुजरात में कहते हैं, आप यहाँ जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, तो पतंग जब आप उड़ाएं और पतंग जब बहुत हिलने डोलने लगे तो एक पूंछ लटका दी जाती है, पूंछ लटका दी तो स्थिर हो जाए। जो लड़का बहुत हलक डुलक हो ना
उसकी शादी कर दो, पूंछ लगा दो, स्थिर हो जाएगा, फिर बोलेगा, हिलेगा, खत्म, सब खत्म, फिर कभी ना बोलेगा न कुछ करेगा। ऐसा एक साहित्यकार की और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। और पतंग का डोर, जितना आप पतंग को और उड़ाओ उड़ाओ, जितना डोर फैलाओ इतना फिर समेटने के लिए इतना ही समय। वैसे तुम्हारे गृहस्थ जीवन के व्यवहार जितने फैलाओ इतना ही फिर समेटने में समय लगता है। लिस्ट रखना पड़ता है कि उसके घर प्रसंग था तो हमने ये दिया था, हमारे घर प्रसंग हो तब वो क्या देगा, हमारे घर प्रसंग था तो वो पीतल की बरनी लाया था, हमें जाए तो पीतल नो घड़ो ले जाए, ये सब व्यवहार के जितना ये सब कई लोग लिस्ट रखते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि लोग व्यवहार करने में लिस्ट रखते हैं कि फलां के घर से हमारे घर में शादी के दिन क्या आया था, इतना आया था तो हमको दुगुना करना, ये करना, ये करना। ये व्यवहार का डोर जितना लंबा हो इतना फिर समेटने में इतना ही, और कभी कभी समेटने में इतनी गूंज पड़ जाती है और कभी कभी पतंग काट दी जाती है। इसलिए भजन करना है ना, उसको व्यवहार का डोर बहुत फैलाना मत, क्योंकि जितना सम फैलाओ इतना समेटने में वो तो लगता। तो पुरुष का भी मेरी समझ में दायित्व है। जलंधर की पत्नी परम सती है, परम है, उच्चतम सतीत्व उसमें असुर के घर में होते हुए भी दिखाई देता है। और इस वृंदा उनका नाम है, उसी के पत्नी व्रत धर्म के कारण जलंधर को शंकर भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर सतीत्व का आदर करते हैं, क्योंकि उनके घर में सती थी, उनका भी उसने बहुत आदर किया है। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्हीं त्रिपुरारी, सती का आदर शिवजी ने अपने घर में किया है और ये तो परम सती है, इसलिए उसके बल से जालंधर मरता नहीं, तो मैं उसको मारू ना अथवा तो हारना मेरे लिए ज्यादा शोभास्पद है, ऐसा मानकर अब करे क्या। देवता तो हार गए जलंधर से, शंकर भगवान भी उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल उठा कि उसका सतीत्व टूटे तो ही मरे जलंधर। छल करी टारे सुब्रत प्रभु देवताओं का कार्य करना था, देवताओं का कार्य करना था वो तो ठीक है, लेकिन जालंधर एक अपनी पत्नी के सतीत्व के बल से इतना बेफाम हो गया है कि इस विध्वंसता को रोकना आवश्यक था और बिना छल किए हो नहीं सकता था। शंकर भगवान छल नहीं कर पाए क्योंकि इनके संग राम था, और यहाँ तुलसी जी कहते हैं प्रभु सुर कारज किन, प्रभु ने छल किया। अब कथा बहुत सी आती हैं कि कहते हैं कि वो जालंधर का रूप बनाकर जाते हैं और वो सती सोचती है कि मेरे पति आ गए युद्ध के मैदान में, और उसको जलपान कराया, पैर धोए और पति को बेड पर सुला करके वो चरण सेवा करने, ये सब पुरानी बातें हैं। तो जैसे ही उसने अपने पति के चरण की सेवा शुरू की, और मूल जालंधर तो मैदान में है, वहां उसकी माला मुरझा गई, और जैसे माला मुरझी और फिर हमला हुआ और जालंधर की मृत्यु हो जाती है। तो छल किया प्रभु ने, प्रभु का अर्थ होता है समर्थ, शास्त्र में प्रभु मानी समर्थ, समरथ कहूं नहीं दोष गुसारी, विवादास्पद चौपाई है, रवि पावक
सुर सरीति। तो प्रभु मानी समर्थ, और समर्थ छल करे वो कहां तक ठीक है? एक सती के सतीत्व को भंग करने के लिए प्रभु स्वयं कपट करे। इंद्र ने कपट किया अहल्या के साथ वेश पलट करके, तो शीला बनी अहल्या को राम तत्व तारने आया। और यहां एक प्रभुता, एक प्रभु तत्व, एक सामर्थ छल कर रहा। बड़ा बड़ा मानसिकता में समाधान पाना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन समर्थ को अधिकार है ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन समर्थ विश्व मंगल के लिए कितनी भी बदनामी सह करके, विश्व कल्याण के लिए कितनी ही उंगलियां उनके सामने उठें, इसको सह करके भी समग्र लोक मंगल के लिए ऐसी सृष्टि करता है। कृष्ण ने महाभारत में कितनी बार छल किया आप सोचिए। लेकिन केवल उनके उनकी जो राजरमत, कृष्ण की जो जो प्रत्यक्ष रूप में अधार्मिक निर्णय लगता है महाभारत में, वो कृष्ण लेते हैं लोक मंगल के लिए करते हैं। कृष्ण को लगा कि द्रोण मरे बिना पांडवों की विजय शक्य नहीं है महाभारत, द्रोण मरने चाहिए। जब तक द्रोण नहीं मरेगा पांडव विजयी नहीं, और पांडव की विजयी नहीं होगी तो मेरा उनके साथ रहना सार्थक नहीं होगा। तो कैसे भी द्रोण की मृत्यु, कर्ण की मृत्यु, ये सब करवाने में जो कृष्ण ने लीलाएं की है अद्भुत है। लेकिन इरादा द्रोण को मारने का नहीं था। द्रोण मरे तो वैर समाप्त हो जाए, निर्वैरता पैदा हो जाए, गुरु शिष्य के बीच वैर ठीक नहीं, कृष्ण ने सोचा। वही कृष्ण द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा इतना बड़ा पाप, जघन्य पाप करता है, उसको बचा लेते हैं। क्योंकि अश्वत्थामा मरेगा अथवा तो मार दिया जाएगा तो वैर की सृष्टि और हो जाएगी, वो बचा रहे। कृष्ण के निर्णय बड़े बड़े असमंजसता में डाल देता है महाभारत के चिंतकों को। कैसे भी निर्णय करके अश्वत्थामा को बता लिया, और आज आज तक हम उसको अमर की पदवी प्रदान कर चुके हैं कि अश्वत्थामा चिरंजीवी है अश्वत्थामा को इसी तरह, लेकिन उनके बाप को मरवा देते हैं। लोक मंगल के लिए कृष्ण करते हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी है। वो अर्जुन बेचारा कहता है कि कर्ण वो पहिया निकाल रहा है महाभारत के युद्ध में, उसी समय उस पर हथियार फेंकना, हे गोविंद कहाँ तक उचित है? बोले उचित अनुचित की बात मत कर, उठा अभी। अर्जुन को कह दे अभी तीर छोड़ तू, ये धर्म अधर्म की चर्चा बाद में हम समझ लेंगे व्यासपीठ पर जब बैठेंगे तब, अभी उठा, अभी उठा ले, बकवास मत कर। और उसने प्रहार करवा दिया। जहां जहां कृष्ण ने जो ये सब बातें की, जरा संत की मृत्यु के समय देखिए, हर वक्त भगवान कृष्ण की जो लीला कृष्ण के समान, लेकिन उनका कोई भी छल, उनका कोई भी लीला प्रसंग लोक मंगल के लिए है। और आनंद की बात, जितनी वो उसने क्रियाकलाप महाभारत में की, उनके सब दंड कृष्ण ने भोगे, मुस्कुराते हुए भोगे। अपना कुल विनाश हो रहा था, कृष्ण को अक्रूर पूछते हैं कि ये सब मरा जा रहा है, आप रोक नहीं सकते? बोले नहीं, मुझे गांधारी के श्राप को सफल करना, क्योंकि वो बोली थी कि हमारी उपस्थिति में हमारे कुल का संहार आपने करवा दिया, तुम्हारी उपस्थिति में पूरे यदुकुल का नाश हो जाएगा, मुझे गांधारी का श्राप। कितने मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं, उसी को हम परमात्मा कहते हैं, उसी को हम प्रभु कहते हैं। तो जितनी जितनी वो करते हैं, महाभारत अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, मुझे बहुत जी चाहता है कि महाभारत पर जल्दी बोलूं,
निगाहें मिलाने को जी चाहता है। महाभारत में निगाहें मिलाने को जी चाहता है, 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 दिलो जान लुटा नहीं बिलो कत यति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, भय थकित जिमी चंद्र चकोरा, निगाहें मिलाने को जी भारत अद्भुत है। अद्भुत क्या क्या कहते जी, तो बहुत कुछ चाहता होता है लेकिन मर्यादा में जी चाहने देना, संयम मर्यादा, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति। जर्मनी ने जब दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन पर हमला किया, बम्बार्डमेंट हो रहा था, तब कुछ ब्रिटेन के सैनिक छुट्टी पाकर एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे थे। बनी घटना सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जर्मनी का बहुत भीषण घमासान युद्ध हो रहा था इतिहास में, और ये चार सैनिक नाश्ता कर रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं युद्ध हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, हम जर्मनी को दिखा देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसा जोर जोर से होटल में जैसे एक मैनर्स को छोड़कर बातें कर रहे थे। एक आदमी लिखता है बैठा बैठा, ये चर्चा हो रही है बगल वाली टेबल पर, मानो उसको पता ही नहीं है, लिखता ही रहता था। एक कवि था, एक साहित्यकार था, लिखता था। सैनिकों से रहा नहीं गया कि हदें हैं हमारे देश की, देश खतरे में है, हम युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, और ये आदमी कौन है ब्रिटेन का कि चुपचाप लिखे जा रहे हैं, कुछ कुछ परवाह नहीं देश की। रहा नहीं गया तो सैनिकों ने कहा, महाशय आप है कौन, ब्रिटेन के नागरिक हो? हाँ, तो युद्ध चल रहा है आपको पता नहीं? जी। तो आपको कुछ हो नहीं रहा है? क्यों, हद है, इस आदमी से क्या बात करें। तब अपनी कलम को रोकते हुए इस साहित्यविद व्यक्ति पूछता है, युद्ध क्यों हो रहा है? बोले हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए। बोले वो संस्कृति मैं हूं, राष्ट्र का कवि, राष्ट्र का साहित्यकार,
राष्ट्र का साधुचरित व्यक्ति ही राष्ट्र की संस्कृति होती है, और उसकी मर्यादा रख कर के निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वो मर्यादा नहीं, गलत अर्थ करोगे तो राजनीति हो जाएगी। ये दिल्ली में साहित्यकारों का सम्मेलन था, भारत के आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी और साहित्यकार दिनकर जी की अध्यक्षता में दिल्ली में साहित्य सम्मेलन था कवियों का, और बनी घटना साहब जो दिल्ली में याद आ रही है ये बात। तो नेहरू जी जब मंच पर जा रहे थे तो जरा जरा वो सीढ़ियां चढ़ते हुए थोड़े लड़खड़ाए, जैसे लड़खड़ाए ना तो दिनकर जी ने हाथ पकड़ लिया, थाम लिया पंडित जी को, और नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने थामा नहीं होता तो मैं गिर जाता। बोले मेरे देश की राजनीति जब लड़खड़ा जाती है तब मेरे देश के कवि ही उसको संभाल लेते हैं, साहित्यकार ही उसको संभाल लेते हैं, साधु चरित लोग ही उसको संभालते हैं। जब जब लोग लड़खड़ाते हैं तब वो ही तो संभालते हैं, और उसको एकदम आदर के साथ इस सूत्र को कबूल किया गया था। सभ्यता के साथ, मर्यादा के साथ महाभारत अद्भुत है, मूल महाभारत। मैं गत कथा में कहता था कि शकुनी का कपट कौन सा है महाभारत में, शकुनी तो बेचारा बेगुनाह सिद्ध हो जाता है, चढ़ा दिया शकुनी को, लाक्षाग्रह की जलन में शकुनी का कोई हाथ नहीं था। भीमसेन और पांडवों को विष वाला भोजन कराने में शकुनी का कतई हाथ नहीं है, बिल्कुल निर्दोष आदमी है। व्याख्या करने वालों ने, कथाकारों ने कभी कभी एक आवेश बढ़ाने के लिए ऐसे निवेदन कर दिए जो लिख दिए गए काव्य के रूप में प्रक्षेप में, और इससे समाज में कितनी गलत फहमी होती है और एक अच्छे पात्र को कितना अन्याय हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शकुनी बिल्कुल साधु है, ये मैं नहीं, हाँ द्युत कराने में, जुआ खेलने में शकुनी का हाथ जरूर है, लेकिन लाक्षाग्रह में उसका कहाँ हाथ है बेचारे का, वही शकुनी का हाथ है, उसमें तो दूसरी धृतराष्ट्र का हाथ है, उसमें छल कपट है। और द्युत क्रीड़ा में भी शकुनी कहता है कि ठीक नहीं है, लेकिन भांजा मानता नहीं है, भांजे की ममता ने उसको एक कदम उठवाया, गलत पासे फेंका दे। महाभारत के मूल पत्र पात्रों की स्वाभाविक दर्शन होना चाहिए, अद्भुत। भगवान कृष्ण महाभारत में जो करते हैं लोक मंगल के लिए करते हैं, और दंड भी स्वयं स्वीकार करते हैं, बाकी समर्थ को दोष नहीं ऐसी बात नहीं है, जिसमें दोष नहीं है वही समर्थ है। समर्थ को तुलसी जी प्रश्न उठाते, समर्थ कौन, समर्थ को मानी कौन, को का अर्थ सीधा है कौन, रामचरित मानस में जहाँ को आता है तो इसका कौन प्रश्नार्थ है, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन ओत जनमन भरत को, मुनिमन अगम जम नियम सम जम विषम व्रत आचरत को, कलिकाल दुखदाह दारिव दम्ब भूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को मानी कौन प्रश्नार्थ। तो यदि को पाठ लिया जाए तो समर्थ कौन, अथवा तो कहूं पाठ लिया जाए तो तुलसी कहते हैं मैं समर्थ उसी को ही कहूं, नहीं दोष गोसाई जिसमें कोई दोष न हो वो ही समर्थ है। रवि पावक सुरसरी की नाई, सूर्य में कोई दोष नहीं, अग्नि में कोई दोष नहीं, गंगा में कोई दोष नहीं, तो छल करी टारे उ तासुव्रत प्रभु सुर कारज किन। प्रभु ने देवताओं को बचाने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए वृंदा के साथ छल किया, और छल छल है अच्छा है। मुझे कोई पूछ रहा था कि राम जी तो कहते हैं रामायण में मोही कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल नहीं, ये राम नहीं है, राम ने छल नहीं किया, मेरा राम छल नहीं कर सकता, खबरदार बोले तो। ये छल त
तासु श्राप हरि कि न प्रमाणा, हरि ने छल किया है। हरि माने विष्णु है या राम? नहीं, राम तो वो है जिसके अंश से कई विष्णु पैदा हो जाते हैं, और राम अखंड राम ब्रह्म है। तुलसी की दृष्टि में राम दो चीज है, ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है। ज्यादातर राम को तुलसी जी रामचरितमानस में प्रतिपादित करते, आप गिन लीजिएगा साहब, सच्चिदानंद 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 सच्चिदानंद। तुलसीदास जी सृष्टि कर रहे हैं सच्चिदानंद शब्द की, राम सच्चिदानंद दिन। राम को तुलसी ने ओमकार नहीं कहा एक भी बार, तुलसी सरित रामचरित राम ओमकार। कृष्ण कहते गीता में एक अक्षर वाला ओमकार मैं हूं, तुलसी के मेरा राम ओमकार नहीं, ओमकार तो इनका नाम है। विधि हरि हर भाई वेद प्राण सो अगुण अनुपम, राम ओमकार बोमकार नहीं है, इनका नाम ओमकार है। राम तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, कहीं विशेष ओमकार शब्द आया है मानस में, निराकार ओंकार मूलम तुरियम। वहां शिव स्तुति में रुद्राष्टक में ओंकार है, बाकी ओंकार आपको मिलेगा नहीं, हर जगह ओंकार लगेगा दुनिया में। कोई भी अपने अपने धर्म को प्रतिपादन करेगा इष्ट को तो ओम लगाएगा। तुलसी ने कोई संप्रदायवाद खड़ा नहीं करना था, ओंकार की सृष्टि उसने नहीं की। सच्चिदानंद दिनेशा, जहां देखो सच्चिदानंद 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 ही सृष्टि करते जा रहे। तो गोस्वामी जी का जो राम है इससे कई विष्णु प्रकट होते हैं। तो यहां जो छल किया है वो देवताओं की श्रेणी में जो त्रिदेव है, सर्जन पालन और प्रलय की व्यवस्था जो करते हैं उसमें जो हरि रूप है उसने छल किया, लोक पालन के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए। सभी देवता हारे जा रहे थे, शंकर भी सफल नहीं हो रहे थे, तो लोक मंगल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस सेतु का पालन करने के लिए छल कर टारे उतास व्रत, व्रत तोड़ा। जब इस सती ने जाना वृंदा ने कि मेरे से छल किया, मुझे धोखा दिया गया, आप मेरे पति नहीं हो, जल्दी आप बोलिए वरना मैं जला दूंगी, तब भगवान भी कपे, भगवान प्रकट हो गए हरि के रूप, और कुपित होकर श्राप दे देती है कि आपने मेरे से छल किया, मेरा पति हाजिर नहीं और आपने वेश बना करके मुझसे छल किया है, आपको इस कृत्य का बदला देना पड़ेगा। राम अवतार में आप राम होगे, मेरा पति रावण होगा, और आप पंचवटी की कुटिया में नहीं होगे। आज मेरा पति नहीं और आपने आकर मुझसे छल किया, वैसे आप पंचवटी में आप नहीं होगे, तब मेरा पति रावण बनकर आपकी पत्नी को छल नहीं चुरा ले जाएगा, अपहरण कर लेगा, आपकी जानकी का अपहरण हो जाएगा। ये श्राप उसने दे दिया। गोस्वामी जी आगे पंक्ति लिखते हैं, तासु श्राप, तासु श्राप हरि दीन रमाना कौ निधि कृपाल भगवाना। भगवान ने श्राप को प्रमाणित करने के निर्णय कर लिया, स्वीकार कर लिया कि कबूल। तुलसी जी कहते क्यों, कौतुक निधि कृपाल भगवान। भगवान का एक स्वभाव है कौतुकी, ये बहुत कौतुक करते हैं। आदमी जितना बड़ा ज्यादा कौतुकी होता है, विनोदी होता है, सहज होता है, सरल तरल होता है। कौतुक निधि कृपाल भगवान। प्रभु बहुत कौतुक करते हैं मानस में, नारद के प्रकरण में तो कौतुक ही कौतुक किया करते हैं। तो भगवान का एक स्वभाव है कौतुकी, उसको कौतुक प्रिय है, कौतुक के खजाने हैं वो, इनसे कई कौतुक निकलते रहते हैं।
कृपा के कारण कौतुक करते हैं वो स्वयं भगवान है। आगे बोले जलंधर रावण भय रन रन हति राम परम रन हति राम परम सती वृंदा के श्राप के कारण हे भवानी वहां जलंधर स्वयं रावण हो जाता है और भगवान रण मैदान में उसको मार करके परम पद की प्राप्ति उसको करा देते हैं। तो ये दूसरा कारण राम के जन्म का जालंधर और वृंदा की कथा। आगे बोले एक जन्म कर का कारण यही रहा जिसके कारण प्रभु ने नरदेह धारण किया और जिसकी कथाएं लोग गाते रहें। फिर तीसरा कारण शुरू करते हैं नारद श्राप दीन एक तो दूसरा कारण संक्षेप में आपके सामने रखा। तीसरा कारण एक बार नारद ने श्राप तीनों कारण में श्राप 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 ही चल रहा है। वहाँ विप्रो ने श्राप दिया यहाँ वृंदा ने श्राप दिया अब नारद के श्राप की कथा आई जिसके कारण प्रभु को मनुष्य अवतार लेना और पार्वती सुनते ही एकदम चौंक उठी कि महाराज नारद तो मेरे गुरु है उसने भगवान को श्राप दे दिया। बोले दिया तो भगवान ने पूछती है कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया मेरे गुरु श्राप नहीं देखिए गुरु का कितना बचाव कर रही है। रमापति विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरु को श्राप देने की बाध्यता आ पड़ी वरना मेरे गुरु श्राप नहीं देते। एक गुरु निष्ठा है कि गुनाह किया होगा तो विष्णु ने ही किया होगा मेरा गुरु नहीं कर सकता। तो ये कथा मुझे विस्तार से सुनाई गई कि ऐसी कौन बात हुई कि नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया और उसके कारण एक बार राम अवतार हुआ। ये बड़ी लंबी कथा विस्तार के साथ भगवान शंकर तीसरे कारण में सुनाते हैं लेकिन उसमें आज नहीं प्रवेश करेंगे। आज नारद जी का स्मरण हो रहा है इसलिए कुछ क्षणों के लिए श्रीमन नारायण 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 हरि बोल लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
Narayan, 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 Naray
माना पंडित मदन मोहन मालविया जी को किसी ने पूछा कि आपने राष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए उस समय में और ये सफल भी हुए, जो चाहा आपने सफल भी किया, उसके मूल में कौन रहस्य है? तो कहते हैं कि जब मैं किसी काम का आरंभ करता तब सच्चे दिल से हृदय में तीन बार नारायण 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 बोलकर जाता और लौटते समय सफल होकर लौटता। ये आज की सदी की बात है। नारायण नाम की ये महिमा है, प्रभु के नाम की बड़ी अतुलनीय महिमा। मैंने तो इसी प्रसंग पर ध्यान केंद्रित करना था, इसलिए निकाल ऐसे ही चल दिया था। बाकी तुलसी ने नव दोहे में नाम प्रकरण लिखा है। ईश्वर का नाम, सतयुग में लोग ध्यान बहुत करते थे और ईश्वर को पाते थे। कलयुग में ध्यान नहीं होता ऐसी बात नहीं, लेकिन जरा दुरूह है, कठिन है। त्रेतायुग आया तो लोग यज्ञ करते थे बड़े बड़े और ईश्वर को पा लेते थे। द्वापर युग आया तो लोग घंटों तक पूजा अर्चा करते थे और ईश्वर की प्राप्ति कर लेते थे। कलयुग में केवल एक ही उपाय है और वो है प्रभु का नाम। और फायदा चारों, हरि नाम लेने से कभी अपने आप ध्यान भी लग जाता है, सतयुग सिद्ध हो जाता है। हरि नाम लेने से गीता का सूत्र है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ मैं हूं, तो नाम से यज्ञ भी हो जाता है। नाम लेने से प्रभु की पूजा अर्चा भी हो जाती है, द्वापर का कार्य भी होता है। तो कलयुग में नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। और गोस्वामी जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने तो नाम की महिमा खूब गाई, लेकिन नाम जपने के साथ चैतन्य ने, गौरांग प्रभु ने दशापराध भी लगा दिए कि भाई नाम जपो तो दस अपराध से बचकर जपो, वरना नाम के दस अपराध उसने उसका अवकाश नहीं। मैंने बहुत बार इसकी चर्चा की है। दस तुलसी जी तो कहते कि नहीं, इतना बंधन भी कलयुग में लोगों पर न डाला जाए। पहले बोल चुके तुलसी कि इतना बंधन भी नहीं, कलयुग में तो इतनी जितनी छूट दी जाए दे दो और कह दो। भाई कुभा अनख आलस नाम जपत मंगल दिसी दस जपत मंगल दिसी दस। भाव से अभाव से दुर्भाव नहीं, यदि कोई ठीक से भाव नहीं जगा, अच्छा भाव नहीं प्रकट हुआ तो भी चलेगा। आलस से रोष में कैसे भी किसी भी स्थिति में आदमी नाम जपेगा तो मंगल दिशी दश। अब लोग पूछते हैं कि भाव से कुभाव से अनख से आलस से जपने से फायदा होता है? बोले मानस में लिखा है फायदा होता है। तो कुभाव से कोई जप करे तो उनको भी मंगल होता है, लेकिन लिखा है क्या? पहले तो भाषांतर ठीक से करो। मंगल दिशी दस हो, दसो दिशा में मंगल होगा, तेरा हो न हो तू जाने। इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि तू बोलेगा और तेरा भाव ठीक नहीं तो तू उससे लाभान्वित न भी हो पाए। है तो अमृत है तो दूध, लेकिन तेरे पात्र में खटाई है तो दूध बिगड़ सकता है। तेरे पात्र में कुभाव है तो थोड़ा, लेकिन नाम का प्रभाव जाएगा नहीं, दिशाओं में तो मंगल हो ही जाएगा। और दिशाओं में मंगल हो जाएगा तो उसी दिशाओं में तो तू है, तेरा भी मंगल हो जाएगा। भाई कुभा अनंत
विनोबा जी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी नाम पर, जिसका नाम है नाम घोषा सार। उसमें वो लिखते हैं कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और आपने सुना कि दाईं ओर दो पांच मील दूर एक गांव है, और वहां एक मंदिर में संकीर्तन हरि नाम का हो रहा है। तब आप वहीं जाए ना, कीर्तन न करे जाकर, जाए भी ना, लेकिन आपके पास ये जानकारी आई हो तो रास्ते पर एक मिनट खड़े रहकर उसी गांव की ओर मुख रखकर प्रणाम करो तो तेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इतने नाम की महिमा एक ऋषि तुल्य व्यक्ति कह रहा है। विनोबा जी कोई एक एक ऋषि आदमी रहे, बड़े ज्ञानी आदमी रहे, वेद का उसका अध्ययन, और उसने बहुत से नए नए सूत्र निर्मित किए हैं, तो विनोबा जी कोई भावुक होकर नहीं बोले हैं। उसने वो कहते हैं कि मैं पंढरीनाथ यानी पंढरपुर में विठल का दर्शन करता हूँ, तो तुम लोग मानो न मानो, गांधी जी के साथ चर्चा में भी बोले कि बापू आप स्वीकार करें, कोई स्वीकार करे न करे, मुझे कोई, लेकिन मैं विठल का दर्शन करता हूँ तो मुझे लगता है विठल नाथ मेरे से बात करता है। अपनी अपनी श्रद्धा का मामला है, श्रद्धा सार्वजनिक थोड़ी होती है, निजी होती है, अपना विश्वास अपना होता है। और ये हो सकता है, इस संसार में क्या नहीं हो सकता। तो भाई कुभाई अलख आलस नाम जपत मंगल दिसि नाम जपत मंगल। तो हरि नाम की बड़ी महिमा है, ऐसा मालविया जी भी अपने कार्यारंभ में कहा करते थे। और गांधी जी का तो पूरी आज़ादी के मूल में राम नाम ही रहा, रामचरितमानस और राम नाम गांधी जी के आज़ादी के मूल बीजक थे। उसको बल मिला रामचरितमानस से और राम नाम के कारण। तो ऐसा हरि का नाम, ऐसे प्रभु का नाम, और हम लोग संसार में रहने वाले महापुरुष जो होते महात्मा लोग, वो तो कितने अनुष्ठान कर सकते, हम और आप कितने यज्ञ कर पाएंगे, कहाँ ध्यान धारणा समाधि कहाँ जाएंगे, और कहाँ घंटों तक पूजा करके ये काम है। ये हमारे लिए तो कोई भी काम करते हुए प्रभु का नाम, और मेरा आग्रह कभी नहीं कि यही नाम लो। आपकी जो रुचि, आपके मन में जो श्रद्धा हो उसी नाम लो। हरि नाम, शिव नाम, दुर्गा का नाम, जय माता दी करो तो कोई तकलीफ नहीं, जय शंकर की करो तो कोई तकलीफ नहीं। जो जो कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। तत्पता गंधर्वराज पुष्पदंत शिव महिमा में गा उठा है, त्रयी संख्यम पशुपति मतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मद पत्यमिति च रुचिरां वैचित्र्यं ऋजुपुतिलनाना पथजुषां नृणामे परिणाम बदि गृणं ममाप्य
संशयो तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना लिखी गई है, कहाँ तक सही है कि नहीं है उसमें न जाए, उसका सार समझे। तुलसी जी काशी में थे, एक आदमी तुलसी जी के पास आता है गंगा पार से, पर फिर उसको जाना जरूरी था और उसी समय गंगा में बाढ़ है। ये तुलसी के नाम उनको केंद्र में रखकर एक बात पढ़ने में आई है, तो वो गोस्वामी जी को प्रणाम करके बोला कि बाबा जी मुझे जाना बहुत ज़रूरी है और आप कोई उपाय बताएं, बहुत बाढ़ है और कोई नौका नहीं मिल रही है, मेरा जाना ज़रूरी है। कोई कहते चोर था, जो हो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम राम बोलते निकल जाओ, बस राम 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 बोलो, पार हो जाओ। अब तुलसीदास जी ने ऐसे ही कह दिया, तो बेचारा गया तो राम राम इतना पानी, राम इतना पानी, राम इतना पानी, राम यहाँ पानी, राम राम नाक पर पानी, पानी आंखों पर आया, भागा कि ये तो राम हो जाएगा, आखिर ही राम हो जाएगा। इधर आगे गया तो एकदम लौट गया और बहुत दुखी होकर आया कि बाबा जी आपने क्या काम है, आपका भरोसा रख कर गया और आपने राम पकड़वा दिया तो मैं तो डूबते जा। बोले इसके सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं, जा फिर से राम राम। अरे बोले दूसरी बार मेली कंठ सुमन के माला, दूसरी बार तैयार कैसे करे। तो तुलसी ने कहा एक काम करना, इस बार राम ही बोलना, लेकिन ऐसे कहना तुलसी के राम, तुलसी के राम, तुलसी के राम, तुलसी के राम। कहते हैं तुलसी के राम, तुलसी के राम कहते कहते इस आदमी में प्राण बल आ गया, जो हुआ पार हो गया। चाहे दो घंटे लगे होंगे तो पानी थोड़ा कम भी हो सकता है, हो गया होगा, चमत्कार बमत्कार की बात नहीं, लेकिन तुलसी के राम की महिमा कुछ और बढ़ जाए। कौन जप रहा है, रुचि भिन्नता के कारण कोई कोई भी नाम ले क्या फर्क पड़ता, लेकिन कौन जपता है उस पर बहुत आधार है। हरि नाम का खूब आश्रय करे। अब लोग क्या कहते हैं कि भाई हरि राम 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 तोते रटन करने से क्या फायदा है। सुखदेव जी तोते तो थे, तो कोई आपको तोता रटन कहे ना तो सम्मान कर रहा है, ऐसा समझना कि आपको सुखदेव जी कह रहे हैं, ऐसा समझना। तो नाम खूब जपो, मंत्र में चूक हो सकती है ना तो थोड़ा शंका कुशंका हो जाएगी कि चूक हो गई, नाम में तो कोई चूक की चिंता नहीं, कैसे भी लो वाल्मीकि ने उल्टा ले लिया तो भी धन्य हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो नाम की बड़ी महिमा है, और हमारे यहाँ बहुत सुंदर शब्द है नाम दान, सबसे बड़ा दान है नाम दान, प्रभु का नाम। तो हम तो बोलते हैं गाते हैं साहब, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते हैं, संतों के पास बैठकर जानते हैं साहब, घूमे हैं, लेकिन मेरा भी तो यही कहना है घूम घूम कर कि केवल हरि नाम एकमात्र आश्रय है। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर मा त्वामेव याचे, मम देहि जिह्वे समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्य। मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर मा श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु नामानि जिह्वे पिबत्स्व जिह्वे पिबत्स्व गोविंद दामोदर माधवेति करारविंदे लपदार मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशया। गोविंद दामो हरि नाम कृष्ण नाम शिव नाम कोई भी नाम लो। अरे मुस्लिम भाई बहन हो तो अल्लाह का नाम ले, क्या फर्क पड़ता है, जो जिसको नाम ले, ईसाई अपना नाम ले, बौद्ध अपना नाम ले, जैन अपना नाम ले, ये लड़ते क्यों है ये मेरी समझ में नहीं आता। ये पक्षियों में तो कोई फिर फर्का परस्ती नहीं है, कभी मंदिर पर जा बैठे कभी मस्जिद पर जा बैठे, न हिंदू होता है न मुसलमान,
लेकिन लोग दुखी दुखी हो गए। कोई भी नाम पुकारो जिसकी जिसमें श्रद्धा, हरि नाम अनंत नाम है प्रभु के, फिर भी बंदौ नाम राम रघुवर को, राम नाम को महिमा कौन गाए। सीधा सरल नाम है राम, दूसरे में जरा मुश्किल मुश्किल हो सकती है, राम तो सीधा उल्टा बोलो सुलटा बोलो कैसे बोलो, बैठे बैठे बोलो, पैर फैला कर बोलो, पैर पर पैर रख कर बोलो, शीर्षासन करके मत बोलो, पलाठी लगा करके बोलो, चाय पीते पीते बोलो, दूसरा पीते पीते मत बोलो, वो भी जो करना हो करो, ऐसे जप करते कैसे भी करो, माला से करो, होठों से करो, उंगलियों पर करो, कंकड़ लेकर करो, जैसे भी जपो जपो, बस जप से सिद्धि मिलती है ऐसा नारद जी का कहना है। तो हरि नाम का ये मौसम है। हाँ, बात बनती है प्रभु ना, ज्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं। विनय पत्रिका में तुलसी कहते हैं ये सब साधन थकाने वाले साधन है और कुछ नहीं है, साधक को थका देते हैं। और ये महात्माओं की योजना है कि एक बार थक जाएगा ना तो फिर कहेगा हे राम थका दो, योग कर, साधना कर, प्राणायाम कर, फला कर, समाधि लगा, पाछो बार आयो, पाछो ये समाधि लगा, फिर ये कर, पैर इधर चढ़ा, ये कर, रोचक रेचक कुंभक, ये सब भारतीय विद्या है, अद्भुत है। हाँ, उसके बहुत बड़े अच्छे परिणाम आते हैं, लेकिन सब थकाने वाले साधन है। विश्राम तो केवल जो आनंद सिंधु सुख रासी असी कर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम खेल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल ब्रह्मांड को जो विश्राम देता है, बाकी सब साधन थकाने वाले। इसलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में गा उठे, नाहीन आवत क्या दर्द से गोस्वामी जी ने गाया है, हे प्रभु मुझे कोई दूसरी चीज पर भरोसा नहीं आ रहा, आप लाख ललचाएं मुझे लेकिन भरोसा नहीं, और मैं विलंब करूं तो समय बीत जाएगा, ये देखूं परखूं, ये सब करने में तो महत्व का समय बीत जाएगा। सूफियों ने एक बगदाद की कथा लिखी है, उसमें ऐसी कथा है कि एक जंगल है, उसके बाद एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक किला है, दुर्ग है, दुर्ग के अंदर एक महल है, महल में एक सिंहासन है और वहां एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है 16 साल की। जो जंगल पार करेगा, पहाड़ चढ़ जाएगा, किले में प्रवेश करेगा, महल में उसका प्रवेश हो जाएगा और सिंहासन के सामने पहुंच जाएगा, उसको वो सुंदरी प्राप्त हो जाएगी। सूफियों ने बगदाद की कहानी लिखी, जैसे हमारे हितोपदेश पंचतंत्र, ऐसे ऐसी बहुत छोटी छोटी कहानियां बिलक बिलक उपासना पद्धतियों में समझाने के लिए आई। अब एक नाये नाय को इच्छा हुई कि मैं इस सुंदरी को प्राप्त करूं, सोचते 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 ये बात जब से सुनी उसने, उसके बाद करीब करीब 10 साल का था तब से सुना था, 60 साल बीत गए,
अब उसने हिम्मत जुटाई कि मैं जाके ही रहूं। और जंगल में इतने वाघ भरु हिंसक प्राणी थे कि कोई जा ही नहीं सकता, वहीं मर जाते। लेकिन ये आदमी अपने आप को बचाता 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 कैसे भी जंगल पार कर ना। अब आया पहाड़ पर्वत, पहाड़ की ढलान ऊंचाई ऐसी थी कि पैर न रख पाओ, ऊपर जाओ गिरो, ऊपर जाओ गिरो। लेकिन ये नाई ने बड़ी कुशलता के साथ पहाड़ भी चढ़ लिया। अब आया दुर्ग, कड़े द्वारपाल थे, खबर नहीं क्या हुआ, रात्रि के समय मौका पाकर ये नाई दुर्ग में भी प्रविष्ट हो जाता, महल में भी प्रवेश कर दिया। देखा सिंहासन, खुश हो गया। लेकिन ये क्या है, एक बूढ़ी औरत बैठी है। सुना था कि 16 साल की राजकुमारी है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो बूढ़ी है। एक धक्का लगा नाई को कि 60 साल का है मेरा संकल्प, लेकिन ये बूढ़ी स्त्री है, कम से कम उससे बात करके समाधान तो पाऊं। और वो करीब जाकर पूछने जाते ही है, छूने की कोशिश की, बूढ़ी औरत गिर गई, मरी हुई थी। हैरान हो गया। उसी समय इस महल में एक सूफी संत प्रकट हो गए। अरे नादान नाय, इतना तो सोचते कि तूने सुना था कि 16 साल की कन्या, और तूने निर्णय किया, करते करते 60 साल तेरी बीत गई, 60 और 16 कितना हुआ, इतनी साल में तो कोई भी राजकुमारी बूढ़ी हो जाएगी, निर्णय करना था तो एक पल में निर्णय करना चाहिए था, बहुत देर हो गई। कभी कभी हम जीवन के वन को पार कर देते, जीवन एक वन है, एक बड़ा जंगल है मानवी का जीवन, लोकापवाद को पार करते करते। वाघ वरु से बचना तो बहुत आसान है, कि दुनिया की निंदा और अपवादों से बचकर जाना बहुत कठिन। और फिर पहाड़ चढ़ना साधना तो ऊंचाई का मामला है। रघुपति भक्ति करत कठिन आई, विनय पत्रिका में कहते, कोई वहां भी चढ़ जाए तो सोने के किले दुर्ग होते हैं, जो बड़े बड़े को ललचा देते हैं, शायद कोई उसी में भी प्रविष्ट हो जाए, महल तक पहुंच जाए, तब तक तो समय पूरा हो जाता है। इसीलिए समय पर कर लिया जाए, वरना तो ये सब थकावट, सब थकावट। मैं आपसे एक प्रार्थना करके आगे बढ़ूं, और हर चीज में परखना, कोई आपको नाम के बारे में कहे नहीं, जरा भी कसौटी मत करना, नाम लेना शुरू कर देना, ये बिल्कुल दो टूक बातें हैं। नाम नाम है। तुलसी जी अपना निज मत देते हुए मानस में बोले, मोरे मत बड़ नाम दुहूं दे। ये सगुण और निर्गुण की चर्चा विद्वान लोग भले करें और जीवन पूरा करें, बूढ़े हो जाए। बगदाद की राजकुमारी बूढ़ी हो गई, नाई भी बूढ़ा हो गया, लेकिन दोनों से ऊपर है हरि नाम। किसी एक व्यक्ति का नाम आपको पता लग जाता है ना, तो आपकी इच्छा होगी कि वो काम क्या करता है, फिर काम की जानकारी के बाद फिर आपकी इच्छा होगी रहता कहाँ है। एक नाम ले लेते हैं ना तो लीला गाने की इच्छा हो जाती है, उनका धाम वो रहता कहाँ, धाम की इच्छा हो जाती है। जिसका ये नाम है वो कितना सुंदर रहा होगा, नाम रूप लीला धाम, नाम के सहारे सब आ जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे कोई भरोसा नहीं है, केवल हरि नाम आवत क्यों, यह कलिकाल सकल साधन तरु, यह कलिकाल सकल साधन तरु। अब देखो तुलसी जी कहते हैं कलयुग में जितने भी साधन है ना वो तरु है,
वृक्ष है। साधन की निंदा नहीं की तुलसीदास जी ने, ये तुलसी की मनीषा देखो। कहते कलयुग में जितने साधन, योग, ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, फला, यज्ञ, याग, तीर्थाटन, परिक्रमाएं, पाठ, पारायण, स्वाध्याय, जाप, तप, जो भी करो, ये सब वृक्ष है। और वृक्ष छाया देता है। देखिए तुलसीदास जी की दृष्टि, कोई साधन की निंदा नहीं की, थोड़ा छाया मिलेगा आपको, और छाया में बैठोगे तो आपको आराम भी मिलेगा, लेकिन पान खर आएगी ना तो वृक्ष भी छाया छोड़ देगा, फिर थकावट और महसूस होगी। इन साधना के ही सकल साधन रूपी वृक्ष का फल श्रम के सिवा और कुछ नहीं। यह कली काल सकल साधन तर है श्रम फल भरो आवत तुलसीदास जी के वेद में भी तो झगड़ा ही झगड़ा है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, जहां देखो तकरार ही तकरार। मेरे गुरु ने मुझे राज डगरो बता दिया कि राज मार्ग पर चले जाओ, कोई चिंता नहीं, इसी में पड़ो ही, वाद विवाद में जाओ ही ना। मेरे गुरु ने मुझे ये पद दिखा दिया। मुनि बहु पंथ पुरानी जहाँ तहाँ जगरो सो बहुमत मुनि बहु पंथ पुरानी जहाँ तहाँ जगरो सो गुरु कहो राम भजननी और ध्यान दे मेरे भाई बहन, यज्ञ करने में मुहूर्त चाहिए, जप तप में खबर नहीं, आसन चाहिए खबर नहीं, क्या क्या नहीं चाहिए, नाम में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। जब भी बोलो ये नाम की मौसम है। कथा तो कहते हैं, सब विषय कह देते हैं, ये सब सब, लेकिन सबका सार केवल ठाकुर का नाम मात्र है। कल जीवन पूरा होगा इससे पहले हरि नाम ले। मुझे परवाज साहब का एक शेर याद आ रहा, आज की रात तो जी भर के मोहब्बत कर लो, प्रभु से प्रेम कर लो। ये रात मिली है, चार दिन मिले हैं, इनमें हरि से प्रीत कर लो। आज की रात तो जी भर के मोहब्बत कर लें, कल तो होना ही है बदनाम, अभी मत जाओ। कल तो होना ही है बदनाम, अभी मत जाओ। कल तो बदनाम होना ही है, भविष्य में तो मरना ही है, आज की रात में हरि को पुकार लो। तुमको पाया तो भला क्या न हुआ है हासिल, तुमको पाया तो भला क्या न हुआ हासिल, सारी दुनिया है मेरे नाम, अभी मत जाओ। पूरी दुनिया मेरे नाम हो चुकी है, अभी मत जाओ। रूह को पाने दो आराम, अभी मत जाओ। कुछ भी हो प्यार का अंजाम, अभी मत जाओ। जो समय मिला आज की रात का, मतलब जो हमारे पास समय है,
उसी में प्रभु का नाम एकमात्र, बाकी सब साध। मैंने योगियों को देखे, बड़े बड़े पुण्य श्लोक योगी लोग हैं। हमारे एक तो हमारे गणेशपुरी वाले नित्यानंद जी बाबा के, फिर परंपरा चली, फिर हमारे कृपालवानंद जी थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे इस जमाने के। कोई साधना बाकी नहीं रखी थी, तो एक बार मैं भी मौन था, वो भी मौन थे, तो उसने मुझे स्लेट में लिख कर दिया कि बापू सब साधन कर कर के थक गया हूँ, अब पता लगता है कि राम नाम काफी था, ये सब करना इससे पहले राम नाम काफी था, हरि नाम पर्याप्त। एक किसान बैठा था ना चारपाई पर, तो गांव का सेठ था, घोड़े पर निकला उघराणी के लिए, निकला होगा गांव में घोड़े पर निकला, तो सेठ को देखा तो चारपाई पर बैठा था, लेटा हुआ था। अरे काका आइए, चाचा जी पधारिए, सेठ जी पधारिए, हम गरीब के घर आए, बैठो बैठो बैठो, पानी पिलाए, चाय बनाए। बोले ठीक है, चाय पी। अब सेठ उसको सलाह देने लगा, जमीन कितने? बोले 5 एकड़ है। अच्छा क्या करते हो? बोले वर्षा होती है तब फसल पकती है, बाकी तो मजूरी करते हैं। अरे कुआं बना, हाँ मशीन लगा, इंजन लगा, पंप लगा दे, फिर सभी ऋतु में फसल पका। अच्छा फिर क्या? कपास पका, कपास, फिर बेच मार्केट में जाकर, फिर पैसे आएंगे इनमें से, फिर खेती कर, इनमें से बचा, फिर ये जो झोंपड़ा है ना मिटा दे, और एक 2 कमरे वाला मकान बना दे, स्लेब वाला। अच्छा फिर और बगासी में जाने की सीढ़ी बना दे, फिर थोड़ा और धंधा कर, फिर एक छोटी सी दुकान कर दे, फिर इतना पैसा होगा, फिर शहर में जा ये कर, फिर वहीं से कुछ ऐसी चीज़ें ला और गांव में ज़्यादा कीमत से बेच, फिर आराम कर। बोले वो तो मैं कर रहा हूँ, इतना घुमा घुमा करके आराम क्यों करा था? जा तू जा, जा तू, मैं आराम तो अभी से कर रहा हूँ। वैसे हरि नाम से आराम मिलता है तो इतनी दौड़ धाम करने की क्यों जरूरत? ना ही ना आवत आन भरोसो, और नाम के साथ और साधन करेगा तो साधन सुशोभित हो जाएंगे, लेकिन नाम नहीं तो साधन थकावट के सिवा और कुछ नहीं है। बड़े बड़े साधक थक जाते हैं, इसलिए श्रीमन नारायण नारायण
सहित बस सुर बोलिए हनुमान। तीसरे दिन की राम कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह चौथे दिन की राम कथा सुबह 9:30 बजे फिर आगे बढ़ेगी। भाव से बोलिए राम चंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की सदगुरु भगवान की ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सुन लीजिए महाराज की आरती श्री रामायण की कीर्ति कलि जलित सिय आरती श्री राम गावत ब्रह्मादि करुणि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकारी शेष अनुसारद वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री राम गावत वेद पुराण अश्वदश शास्त्र सब ग्रंथन कोरत मुनि जन आरती श्री राम गावत संतत शंभु भवानी अरुहत संभव मुनि विज्ञानी व्यास हरणि विषय सुभग सिंगार मुक्ति ज्योति कात सब आरती श्री राम कियति कलि तरलि आरती श्री राम। मंच पर से सभी भाई नीचे पधारे।